क्या हाल है दोस्तों वेलकम टू एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट मेरा नाम है विनम्र कसाना इस पॉडकास्ट पर अगर आप नए आए हैं कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि हर ट्यूजडे फ्राइडे हम लोग पॉडकास्ट निकालते हैं बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है होते हैं इफ यू आर लिसनिंग ऑन स्पॉटिफाई एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट कंसिडर फॉलोइंग द पॉडकास्ट एंड गिविंग बिकॉज टेकिंग दिस पॉडकास्ट टू द मून हैविंग दैट आज के जो हमारे गेस्ट हैं इस नेम इज चिराग पंजवानी

यह कौन इंसान है सिर्फ आवाज़ सुन के मतलब मैंने अगर इस इंसान को पहले देखा हुआ है और फिर उसके बाद उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ तो फिर मेरे को फनी लगता है लेकिन कई बार जैसे मैं भी कॉमेडी पॉडकास्ट एक रॉन बेनिंगटन का मेरे को सबसे अच्छा लगता है कॉमेडी पॉडकास्ट ठीक है उसमें जो कॉमिक को मैंने पहले कभी देखा नहीं मेरे को कभी मन नहीं होता है खोल के देखने का भले ही वो बोल दे कि अरे ये वीक का पॉडकास्ट सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रहा है ये पॉडकास्ट रहा है आज तक का लेकिन कुछ तो मैंने उस बंदे का देखा और फिर भी मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा ऐसे क्यों शुरू करूँगा मैं कि पहले उसकी पर्सनल लाइफ जानूँ फिर उसका काम देखू मुझे लगता है मैंने सारे प्रोडक्स गलत करे फिर <laughs> ये हाँ ये चीज़ है लाइक बट बट आई ऑल्सो थिंक कि अगर आप इसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप किसी को ऐसे लेके आते हो तो बहुत सारी वलनरेबिलिटी उस आदमी करने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी की सर मैं पहले बस चलाता था या मेरी जिंदगी में ये था फिर मैंने ये करना शुरू कराया वो सब सुनने के बाद लोग बोलेंगे चलो देख लेते हैं ये फ़नी है या नहीं है यार एक ना ये भी है अब क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से तुम प्रमोट कर सकते हो hmm. तो मेरे को पूरा पॉडकास्ट देखने की जरूरत नहीं है मैंने पुनीत सुपरस्टार का एक रील देख ली तुम्हारी तो मुझे लगा कि अच्छा ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है मैं क्यों नहीं जानता इस बंदे के बारे में तो ये भी कॉन्टेंट की तरह ही अगर कंज्यूम करो तो फिर इट इज इजियर टू कंज्यूम राइट राइट लाइक ही डिड यू नॉट नो पुनीत सुपरस्टार मैं राह चलते आदमी हर किसी को पता मैं देखता हूँ

शुभम गौर है उसका नाम पता नहीं नहीं शुभम कौन भाई सब शुभम लॉर्ड वगैरह ही लिखते है जा, उसका जा। नाम नहीं <laughs> तो उसका वही होता है कि हर वीडियो के एंड में कोई मॉरल देता है वो हाँ कि बेटियाँ बचाओ ये कुछ करो मैं मैं पता है अच्छा ये ये उस तरह उसका क्या एक्टर वरुण वरुणप्रोति की तरह एक्टर वरुण वरुणप्रति बट बहुत ही लो बजट एक्टर वरुण वरुणप्रोति पता है ना क्या करता है एक्टर वरुण वरुणप्रोति है स्विच फ्रॉम हजार रुपये की नोट टू अब वो फैमिली उसकी हो गई है बच्चे बच्चे कर लिए पता नहीं एक्टर बना नहीं बना लेकिन अब वो सब टी टाइप काउंटेंट न आता है इंस्टाग्राम पे मेरी घाट तब जली थी जब मैंने देखा था कि वो पूरे पूरे स्टेडियम भरते थे भाई लोग उसकी मोटिवेशनल टॉक सुनने के लिए स्टेडियम भर के आते हैं yeah. तो किसी के भी कोई नंबर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब भी कोई टिकट बेचने लग जाता है तो मेरे को लगता है यार ये गलत बात है संदीप महेश्वरी भाई पर वो लाइक रिमेम्बर फेसबुक एक टाइम पे भरा रहता था hmm. सिर्फ और सिर्फ एक्टर वरुण वरुणभूति की वीडियोज आ रही है वो ब्लैक एंड वाइट में और हजार के नोट वो रेड कलर का चमकता था उस टाइम पे वरुण भूति जा रहा है ठीक है जैसे हम दोनों की थोड़ी थोड़ी रिसीडिंग हेडलाइन है वरुण प्रोथी लाइक like, किंग ऑफ रिसीडिंग हेड जैक जैक निकलसन जाते हुए कि भाई चलो वर्ष में काम नहीं चला कैट कैट, कैट कैफे स्टूडियो में कब तक बैठूंगा दिल्ली जाता हूँ सीधा वहाँ जाके मेरे को भगवान ने भेजा आप लोगों के लिए भाई और पता है शुरू में ना मैं तो इमोशनल भी हो जाता था वरुण प्रोथी का हाँ। वीडियो देख के ऐसा लगता था कि भाई भला तो कर ही रहा है फिर ऐसा जैसे तुम कोई कितना भी अच्छा काम कर रहे हो तुम्हें जैसे उसका एजेंडा देखने लग जाता ना कि सारा लाइक्स के लिए भला कर रहा है तो फिर तुम टर्न ऑफ हो जाते हो कि भक्त भाई ये तो है ही फिर श्योर भाई पर एक बात बताओ जैसे तुम्हारा नो आई डेंट नॉट नो अबाउट यू सडनली एकदम पे ऐसे रील्स आनी शुरू हो गई इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने वो वाला वो वाला वो देखा वीडियो जिसके अंदर की हुकप की हुकप का जिक्र हो रखा है जिसके अंदर कि किसी ने अगर अपने प्यूब्स काट रखे मतलब नहीं। वो सोच गया और मेरे को ना वो अंदर ऐसी जगह पर जाकर रिलेट मारा मैंने कहा अरे कितनी सच्ची बात है कि हर लड़का ऐसी करता है कोई आदमी कि भाई ऐसे वैसे अटेंड वो एक्सीडेंटली हो गया यू नो जस्ट हम बैठे थे तो बैठे बैठे फिर सीन हो गया अच्छा और अकॉर्डम वहाँ रखी है किसी ने म्यूज़िक की वो मेरा कॉलेज में एक दोस्त था जो वर्जन था बहुत समय तक hmm. तो जब उसने सेक्स करा तो हमें पता था कि आज ये पहली बार करने जा रहा है तो उसके स्पॉटिफाई की वो उस वाले प्ले फ्रेंड फ्रेंड फीड में लिखा हुआ था सेक्स फुल स्टॉप प्ले लिस्ट उस आदमी ने बहुत नकाशा बहुत सोचा कि ये काम करना चाहूँगा ऐसी ऑब्जर्वेशन वगैरह आई लाइक आई एम येट टू कम अक्रॉस फिर लोग इतने फ्रैंक हो जाते हैं यार तो एक्चुअली क्या था उसके आगे एक जोक आता है जो कि और क्रिंज जोक था तो उसको कुशन करने के लिए मेरे को वो प्रेमिस इंट्रोड्यूस करना था और ये वाली चीज मेरे दिमाग में तो है ही मतलब इफ यू ऑन ऑन डेटिंग डेट्स तो तुम्हें पता होता है कि कई बार तुम डेट पे जाने से पहले तुमने सब सफाट करके रखा है और फिर कुछ नहीं होता तो ऐसा लगता है कि अरे यार, यार ये वेस्ट हो गया यार <laughs> <laughs> क्या करूंगा किसी एग्जीबिशन में लगा देता है ये खा एफर्ट हो गया तो वहाँ से वो ऑब्जर्वेशन आया था और फिर मेरे को एक्चुअली उसके आगे वाला जोक सुनाना था जिसके चक्कर में मैंने ये करा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये इंडिविजुअली ये बस प्योर ऑब्जर्वेशन है उसमें कोई ऐसा खास जोक नहीं है राइट right. जो रील अभी मैंने काट के डाला है रील भी मैंने इसलिए वो डाला है क्योंकि मेरे पास थर्टी सेकेंड्स का लिमिटेशन है उसके ऊपर मैं डाल hmm. नहीं पा रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे बग है कोई पता नहीं कि वो फिक्स नहीं हो रहा है ओके okay. या yeah, मतलब एक चीज़ और है hmm. जिस तरह से तुम वो टाइटल्स भी उस पर डालते हो मेरे को वो एंड्रशुल्स की पुरानी क्लिप्स की याद आती हैं क्योंकि उसने वो फॉर्मेट पॉपुलराइज करा जहाँ वो बजाए फुल स्टैंड अप डालने के उसने फिगर आउट करा यूट्यूब इंस्टाग्राम को हैक करने का तरीका यही है कि छोटे 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 जोक्स और वो चीज़ें डालो लोग अगर एक देख रहे हैं दूसरा देखेंगे फिर इवेंचुअली वो पूरे उस पर चले जाएंगे यार देख मैं अपने आप को स्मार्ट तब मानता जब मैं ये पहले से सोच के करता हाँ कि मैंने कंटेंट इस हिसाब से बनाया कि ये रील्स में फिट हो जाएगा मैंने कंटेंट तो ऐसे बनाया था कि वो लाइव स्टैंड अप में अगर कोई मेरे तीस मिनट देखे उसके लिए वो तीस मिनट एंगेजिंग हो राइट right. ठीक है फिर उसके बाद एक फिर उसमें एक नया फनल फिल्टर आया कि अब इसमें से यूट्यूब वीडियोज कौन कौन सी कट के डाल सकती हैं मैं hmm. ब्रॉडली मुझे पता था कि एक मेरे को ये वाला इस बारे में सेट डालना है एक मेरे को गांजा पॉलिटिक्स के बारे में डालना है एक इसके बारे में डालना है तो वो फिर उसमें से कटा फिर उसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लूज हुआ क्योंकि मैं इस सेट का कुछ कॉल बैक इस सेट में ले रहा हूँ जो कि फिर समझ में नहीं आ रहे लोगों को क्योंकि उनने पूरा थर्टी मिनट्स एक साथ नहीं देखा हुआ है और फिर अब उसमें से भी और फनलों के हो रहा है कि अच्छा इसमें से तीस सेकंड क्या क्या निकाल सकते हैं तो एक्चुअली तो मैंने रील्स डालना इसलिए शुरू करा है कि मैं अपना यूट्यूब वीडियो प्रमोट कर सकूँ बट ड्यूरिंग द प्रोसेस मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ रील्स पे भी अगर फोकस करो तो बैक आ ली आप जो चाहे वो कर लो मतलब मैं तो फैन हूँ आपका नहीं भाई मतलब एक रील से दूसरी रील तक भी नहीं जा रहे बड़ा मेरे को ऐसे वो कर रहे हैं फैन हूँ लेकिन अभी तक जो नंबर्स हैं वो कम ही आए हैं जैसे यूट्यूब पे एक लाख व्यूज मेरे तीन जो मैंने अभी स्टैंडर्ड वीडियोस डाले हैं उसके आए हैं पर रील्स पे थोड़ा सा बेटर उठ रहा है कि मतलब अगर एक रील भी आ, एक दो लाख रील कर ले रही है तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा प्रॉब्ली दिस इज़ बेटर देन वाट माई रिस्पॉन्स इन यूट्यूब वॉज द आइडिया द गोल इन दिस इज़ कि अगर वो एक लाख की जगह पाँच लाख होता है या आठ लाख होता है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं चाहता हूँ कि लोग शो देखने आए राइट यू वॉन्ट पीपल टू फिजिकली कन्वर्ट वो तुम्हारा शो खरीदे जैसे आज रात को शो हो रहा है हम शूट कर रहे हैं बीस तारीख आज है mm -hmm. ना आज रात को रहा है. Um, मेरे को ऐसा लगता है द रीजन स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो डू सो वेल इज की एक हो गया रीलर जो कोई जोक, जोक जैसे फॉर एक्जाम्पल अरप्रीत की बात कर रहे थे hmm. वो कोई जोक मारता था हि इज डूइंग इट एन इज रूम राइट विद नो ऑडियंस आई थिंक पीपल ऑल्सो आर ए नाइमंड बाई द फैक्ट कि ये आदमी खड़ा होकर पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है इतने सारे लोगों के सामने दट इज वाई दे ऑल्सो डू वेल बिकॉज एवरी वन हैज लेट इन डिज़ायर कि यार मैं भी लोगों के सामने खड़ा होकर स्पीच तो क्या पूरी जोक सुना पा रहा हूँ क्या क्या बात है कितनी बड़ी बात है ये आई नो उसमें से ग्रेटर कौन सा है क्योंकि मैं वो अकेले वाली चीज बिल्कुल ही नहीं कर पाता हूँ तो जो क्रिएटर्स अकेले रूम में बैठ के कर लेते हैं ना मेरे को आई स्टिल नीड एन ऑडियंस टू फीड ऑफ द एनर्जी फ्रॉम कोई एक शक्ल देख के उसको मारूं, हाँ। तो जो भी मैं अपने दोस्तों के साथ स्केचेस वगैरह बनाता हूँ उसमें ये होता है कि हम तीन लोग होते थे तो उसमें से एजेंडा होता था कि हम तीनों एक दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए वो स्केचेस बनाने में मजा आता है कभी मैं अकेले शूट करने की कुछ कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ फोन ऑन करके कि मैं लगता है इतना गुस्सा तो हूँ क्यों ही रेंट कर रहा हूँ इतना तो मेरे को कोई अकेले रूम में मेरे को कोई भी इमोशन हाइट नहीं फील होता है hmm. वही अगर मैं कोई चार लोग बैठे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा एम्पलीफाई करके उसको प्रेजेंट करूंगा चाहे वो मेरे को कोई चीज़ पसंद हो तो मैं बोलूँ भाई फॉक्स पाइड मैन देखो या फिर अगर कोई चीज़ नहीं पसंद हो तो ऐसे लगे कि वो तो चुप नहीं हो लेकिन वो अकेले रूम में, में मेरे को सारी फीलिंग्स माइल्डली आती है ए आई एग्री सब सभा में बैठ के जैसे दूसरे को एक तो ये भी होता है ना रहा है hmm. मैंने ये वाला सुनाया दूसरा आदमी बोलता है मैं और बेहतर सुनाऊंगा yeah. वो जो एक टॉप एक हाँ. करने की कोशिश yeah. करते रहते ना तो वो हो सकता है क्योंकि आई विन डूंग स्टैंड अपॉल्ड ना तो मेरा मेन मसल वही ट्रेन हुआ है हो सकता है अगर मैं वो फोन लेकर रोज कोशिश करने लग जाऊँ कि मैं रैंट कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो उस पर भी बेटर हो जाए पीपल है ट नीड फॉर वेलिडेशन तो है ही ना अब जैसे इसमें आइडली दिस इज अ कॉन्वर्सेशन तो आई शुड ऑल्सो ट्राई टू नो यू लेकिन वैसा होएगा नहीं क्योंकि मैं ऐसे आऊँ कि अरे भाई वो जानना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ देट इज ट्रू बट इफ यू रियलाइज मतलब आर सेल्फिश अजेंडा इज टू क्रिएट कॉन्टेंट एंड इफ यू रियलाइज की बाई लिसनिंग यू विल ओनली अब्सर्व वॉट पीपल थिंक एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट कॉन्टेंट तो वो दोनों चीज़ें तुम बैलेंस में करोगे कि मैं तुम मतलब इस पर कॉन्स्टेंटली बोलने की कोशिश करूँगा और अब्जॉर्व करने के लिए इसलिए कोशिश कर सकूँ ताकि मैं अगले पॉडकास्ट पे वो चीज़ को लेके फिर कुछ हाँ। बना सकूँ और बोल सकूँ तो वो लिसनिंग वाली चीज़ ऐसा आई थिंक शुरू के उसमें होता है जिसमें तुम uh, वो नीड टू प्रूव दैट योर फनी हर जगह तुम वो एग्जिबिट करने की कोशिश करते हो बट इवेंचुअली वो चली जाती है क्योंकि तुम्हें लगता है कि अच्छा नहीं कंज्यूमिंग एंड लिविंग लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर या आई एग्री आई थिंक यू कान डू वॉट यू डू इफ्ट इंटरेस्टिंग लाइफ एक्सपीरियंसिस या तुम जो रोजमर्रे की चीज़ें वो करना छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बन जाए मेरे को तब पता लगता है जब मैं बना शायर रिपीटिंग मैसेल्फ हमने यार नए लाइफ एक्सपीरियंस लाने से क्योंकि वही कहानियाँ किसी पिटी दो हज़ार सोलह में हमने ये कर दिया था हम कूद गए थे वहाँ से अच्छा किस किस को सुना चाहिए वो कहानी फिर दो लोग आगे बात करते हैं हाँ उसने मुझे वो कहानी सुनी थी मुझे मैंने बहन यार तुम्हारी तो कहानियाँ पिट रही हैं फिर इसका मतलब कुछ नया ले आना होता है बट हाउ डू यू डू इट वन वेन यू नो योर होल लाइफ इज़ देयर फॉर योर मतलब तुम्हारी लाइफ ही पूरी तुम बॉरू कर सकते हो कॉमेडी के लिए डेट इज यू मेड जोक अबाउट हाउ यूर डेटिंग टेलर नेम बट जो जिस बंदे के यहां पर बनाया था उन्हें पता होगा कि मेरे बारे ah, में ah, है ना एंड देयर लाइफ चेंज एज रिजल्ट कि वो oh, यार मेरे बारे में जोक है तो इसमें यूजली अगर मैं इसमें देखो अगर वो मेरे कॉलेज में थी वो hmm. तो क्योंकि बाकी कॉलेज के लोग देखेंगे तो वो उसको मैसेज करेंगे तो वो एक्सपीरियंस ऑर्ड होगा उसके लिए जब मैं जोक बना रहा था तब तो मैंने उसे एक वर्किंग ड्राफ्ट दिखाया था तो मैं अपने सारे सेट्स फोन पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था वीडियो hmm. तो वो मैंने उसे एक वर्किंग ड्राफ्ट दिखाया था कि मैं ये बारे में जोक कर रहा हूँ ये इसमें तुम्हारे बारे में है तो आई होप यू आर कम्फर्टल विद दिस जो कि क्योंकि मेरे को उस टाइम पर पसंद थी इसलिए करा था मैं अगर अब मेरे को ऐसे ऐसा नहीं लगता कि मेरे को सबसे परमिशन लेने की जरूरत है क्योंकि अगर hmm. हमारा मतलब तेरा मेरा कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो मेरे पर्स्पेक्टिव से अगर मैं सुना रहा हूँ तो फिर वो उस पर मेरा भी हक है उस स्टोरी पर है ना और एज लॉन्ग एज आई एम नॉट डिमिन इन एनी वे आई डोंट थिंक सबसे परमिशन लेने की जरूरत है या फिर उनकी लाइफ कुछ इम्पैक्ट हो रही है और इतना yeah. कुछ जैसे तुमने जितने भी बड़े बड़े कॉमिक्स देखे हैं तो कोई कोई भी पॉपुलर कॉमिक बोलो जो जिसकी एकदम मैड फैन फॉलोइंग है जैसे बिलबर हाँ तो बिल्बर के वाइफ के बारे में सिर्फ उसके हार्ड कोर फैंस ही जानते हैं आ, वो भी अब इसलिए जानते हैं क्योंकि वो निया उसके पॉडकास्ट पे बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती है बट उससे पहले के जो रैंडम होकअप के बारे में बात कर रहा है या फिर किसी को डेट कर रहा है या फिर तुम्हें बिलबर के डायट के बारे में कितना कम मालूम है नाम भी नहीं पता है जबकि इतना मेजर इन्फ्लुएंस है उसकी लाइफ एफ एस फैमिली पूरा है उसके फैमिली पूरा है लेकिन तुम्हें मतलब फर्स्ट नेम भी नहीं पता है उसके सेकंड नेम तो पता ही बट मतलब फर्स्ट नेम नहीं पता उसके बाप का दिलबर होगा उसका भाई ये शुरू में जैसी बिल्बर एक बार बिलबर ना इंडिया आया था हाँ तो मैं तब स्टैंड अप करता नहीं था दो में आया था मेरे ख्याल से तो लेकिन वो बोलते हैं कि जब उसके इंट्रो के टाइम पर लोगों ने दिल भर दिल चलाया था माई गॉड ये सिर्फ तो, एक इंडियन जोक है जो हम हंस हाँ, हाँ, सकते हाँ, हैं वो बहुत ही सा लगा था अच्छा या मेरे को किसी और ने भी बताया था दे मेट बिलबर समवेयर एल्स और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है बिलबर इज़ एक ऐसा अंकल

अब आदमी बोले ना बोले जब वो ऐसे देखता है हाँ। तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मैं रेसिस्टर मिसाजनेस नहीं हूँ पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो है मैं उनके आसपास पला बढ़ाऊँ तो ये अंकल भी वही बात कर रहे हैं तो मैं भाई एक ना और एक स्टैंड अप में एक हाँ। बहुत बहन कॉमन टेक्निक होती है कि मेरे जो भी रिग्रेसिव थाट्स हैं वो मैं निकाल के एक कैरेक्टर में डाल दूँ तो वो बंदा वो रिग्रेसिव बातें बोलेगा तो मेरे को उस पर भी लाफ मिल गया रिग्रेसिव जोक्स हैं और फिर मैंने इसको करेक्ट करते टाइम जो जोक्स मारे फिर मेरी वर्चुअल सिग्नलिंग भी हो गई मैं रैशनल नरेटर, हाँ वो हरामी हाँ जबकि है तुम्हारी थॉट्स ये क्रेजी बहुत क्रेजी कि तुमने तुमने मतलब तुम दोनों साइड हो तुमने, तुमने अपना रिग्रेसिव बिहेवियर पहचाना और उसको करेक्टिव उसके जो जो मेजर्स में तुमने जो बोला उसको फनी बनाना अब तुम्हारा काम है तो लोग तो साले उनको तो रिग्रेसिव ह्यूमर पे भी मजा आता है और क्योंकि तुम वो वर्चुअल सिग्नलिंग कर रहे हो तो वो एज ऑडियंस भी वो करना चाहते हैं कि हाँ हम भी अप्रिशिएट करते हैं पर लोग इस, इस बात को ओपनली बोलने में डरते हैं कभी नोटिस नहीं किया था बट एक्चुअली बहुत सारे लोग मेरा एक दोस्त हुआ करता था एक्स वो आया उसने मुझे ऐसा कुछ बोला हाँ वो तुम्हारी सारी लाफ्स मिल गई और फिर तुमने फिर बोला कि अब <laughs> ऐसे कौन बात करता है क्यों करता है और फिर तुम्हारा वो भी हो गया सो डू यू थिंक द इफेक्ट फॉर एग्जांपल तुम उसके रचयिता हो तुमने वो बना दी ड्यू थिंक द इफेक्ट ऑफ दैट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक भाई मतलब इतने डार्क साइड को भी एक कैरेक्टर uh, के अंदर उतार के हमने निकाल दिया एंड एंड यू गेट लाफ्स दैट यूर लाइक चलो ठीक है आई एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ भाई मेरा अब पता नहीं ये थॉट प्रोसेस सही है या नहीं बट मुझे ऐसा लगता है स्टैंड अप का कोई इतना भारी इम्पैक्ट तो नहीं है मतलब तुम आ, कोई जोक वोक सुन रहा है तो थोड़े टाइम के लिए उसका बस मूड ठीक हो जाता है बट फिर उसके बाद वो मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उसकी कॉमिक की बात कर रहा हूँ नॉट द ऑडियंस ऐसे कौन है तो मुझे लगता है बस मुझे लाभ मिल जाए और मुझे बस बस, 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 बस हंसी चाहिए थोड़ी थे। थे। बस जो मेरे को वैलिडेशन मेरे को ना इसलिए वो वो भी बहुत कभी समझ में नहीं आता जो कहते हैं कि मैं लोगों के एंटरटेनमेंट और उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं तो बहुत सेल्फिश रीजन से कर रहा हूँ कि मेरे को मज़ा आता है जब तक मेरे को ये वैलिडेशन रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे मैं तब तक करता रहूँगा अब लोग मतलब मेरे को कोई कन्फर्म बोलते कि लोग इसके बाद जाके रोएंगे लेकिन तुम्हारे शो पर बहुत हंसेंगे कोई दिक्कत नहीं और ऐसे होना भी चाहिए मतलब आदमी किसी ना किसी चीज़ के लिए

चलो तो मैं एक ब्लैक मंदी से शादी करता हूँ सब चुप हो जाएंगे <laughs> तो बढ़िया यार भाई मैं मैं देख के हाँ मैं यार इतनी तो उल्टी बातें करता है और उसके बाद इसने ऐसा कर लिया है एज जस्ट आई बेस्ट में को स्टिल ऐसा लगता है बिल्बर ने सिर्फ पब्लिक के लिए ऐसे कराया कहता है मे, he her, no <laughs> तो आई नो ऑनस्टली थिंक बिल्बर एक्चुअली में नहीं होगा जिस टाइम पे वैन ई वॉज कमिंग अप एज अ कॉमिक उस टाइम पे पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं थी इतनी तो जो उसके फॉर्मेटिव व्यूअर्स थे एज अ कमेडियन तो उस टाइम पे तो क्या सही है क्या गलत है ये वाली चीज़ की बाउंड्री वो तो मतलब हमेशा इवॉल्विंग ही रहती है ना hmm. तो तुम्हें करंट कॉन्टेक्स्ट में बिल ख़राब लग रहा है लेकिन जो जिस टाइम पे उसने अपनी स्किल्स अक्वायर करी और अभी भी वो इम्प्रूव करी रहा है। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि वो उसको पूरी तरह से वो ब्लाइंड है कि क्या चल रहा है hmm. वो ही जस्ट चूज टू जोक अबाउट दिस नॉट केयर अबाउट दीज इशूज केयर अबाउट दीज इशूज एकदम ही इग्नोरेंट आदमी तो नहीं लगेगा तुम्हें बिल्बर अगर तुम उसका नहीं नहीं इग्रो हमें तो बढ़िया लगता है मेरे को तो लगता है कि रोगन शपेल बिलबर ये तीन चार बुढ़ाव गंजे हैं जो मतलब आज भी पॉलिटिकल करेक्टनेस के खिलाफ अपनी जंग में लगे हुए हैं जो भी वो उनके आसपास दुनिया बदल रही है तो देर लाइक लास्ट स्टैंडिंग फ्रंटियर कि भाई हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ करता तुमने कैसे कर दिया ऐसा एंड देर जस्ट ट्राइंग देर बेस्ट फाइट कि यार ऐसा ना हो ना कि हर चीज़ इतनी पैड डाउन हो जाए और बोरिंग हो जाए इनको अकोमोडेट कर रहे हैं इनको अकोमोडेट कर रहे हैं जोक तो बचा नहीं पानी रह गया सिर्फ ना मतलब अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो फिर और भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव कॉमिक्स हैं जो ये लाइन बिल्कुल ही नहीं क्रॉस करते हैं तो यू कैन चूज टू लिसन टू देम लेकिन इनको हम कैंसिल कर देंगे इसको नहीं जाने देंगे परफॉर्म नहीं करने देंगे अरे क्यों नहीं परफॉर्म करने दोगे मतलब यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना जैसे अब कल हो क्या होता है अब देखो नोविता और जो डोरेमोन वाले सीरीज है उसके अंदर जियान को भी गाने देते हैं यानी कहते तो पता है बुरा गा रहा है पर कोई नहीं चलो जियान है गाले गाले है ना कोई अंकल दारू पी के किसी अंताक्षरी में बहुत बुरा गाना गाता है सुनते हैं लोग चाहे साइन करें वो अब तुम्हारी गलती है तुमने वो अंकल से टर्म्स मेंटेन कर रहे उनको माइक तक पहुंचने दिया अगर तुम उन्हें पहले ही डीमोटिवेट कर दे तो बोल के तो अगर जैसे ये किया आर्गुमेंट है ना कि इंटरनेट पे कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए यूट्यूब पर डिसलाइक बटन हट गया है नेगेटिव कमेंट्स नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से पूरे होने चाहिए अगर आ, कोई पॉजिटिव कॉमेंट्स को किसी किसी को लिखने का हक है तो नेगेटिव कॉमेंट्स भी लिखने का बिल्कुल हक़ होना चाहिए लेकिन उसके बियॉन्ड वो नहीं होना चाहिए कि अब फिर तुम हम हम हमें परफॉर्म ही नहीं करने देंगे ये क्या है आदमी रोजी रोटी मत छीनो उसे गाली दे दो इसलिए ना रैपर्स में कुछ, कुछ रिप्लाई करना है तो तू भी डिस् करेगा हाँ। लेकिन क्योंकि में, अग, अगर किसी को मेरा स्टैंड आया तो वो भैंस ना ओपन माइक सर्किट कि मैं इसके अगेंस्ट एक सेट बनाऊंगा पहले <laughs> लोगों को लगा रहा हूँ ये बन रहा है अब सारे जोक्स इसके लिए होंगे तो इस चक्कर में उनको फिर लगता है बैन ही कर देते हैं और क्या पावर मूव हो सकता है फॉर रियल भाई ये खैर बैनिंग वाला सीन तो चलता ही रहता है इंडिया के अंदर भी चलता ही रहता है आई द फ्यू कॉमिक लाइक देर अः लिस्ट ऑफ टॉपिक जो लोग इवेट करते हुए जाते हैं जब अपना स्टैंड अप करते हैं hmm. ये बात नहीं करनी ये बात नहीं करनी ये बात नहीं करनी ये बात नहीं करनी अभी नहीं कर सकता है पॉलिटिकल जोक्स करे हैं लेकिन वो इतने स्मार्ट हैं कि वो भक्त लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं वो कि क्या बोला क्या <laughs> इसने एग्जैक्टली तो मतलब गाय भी नहीं बोला है और फिर वो क्या एनालॉजी हुई वो उनको समझाने में ही किसी को फिर बिठा के वो उनको जर्नी ऑफ जोक देखना पड़ेगा उस जोक का वो उसका सब समझे तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे कर लो ना अगर तुम्हारे को बहुत मन है ये करने का तो फिर थोड़ा इंग्लिश में और इंटेलिजेंटली कर लो एक एक अर्पित का वीडियो है कावलेसनेस छोट जब ये छोटा ही था वो उसके अंदर पूरी ऐसी इंदिरा गांधी जैसे ऐसे नहीं होता जब भारत आज़ाद हुआ था इस टाइप की वो नरेशन करता है ब्लैक पे वाइट पे लिखा आता है और उसके बाद ऐसे बंच ऑफ क्लिप जहाँ पे गाय लोगों को मार रही है सिर्फ कोई टांग से मार रही कोई ऐसी लोग भार रहे हैं कोई टोमाटिना फेस्टिवल में कोई बुल मार रहा है इस तरह से

लेकिन उसके अराउंड बहुत ही कम कॉन्ट्रवर्सी हुई है उसका कोई एक और पहले उसने बिट निकाला था जिसके अराउंड कुछ कॉन्ट्रवर्सी हुई थी जिसके चक्कर में ही हैज दो बट हिज इंटायर स्पेशल इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया या और जोक। हाँ इन इंडिया अबाउट एवरी थिंग वो दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशल इन द फर्स्ट बैच ऑफ दैट केम आउट फॉर श्योर वॉच इट जैसे यू एस की कॉन्स्टिट्यूशन में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि भाई आप मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे पास कुछ भी बोलने का चाहे मैं आपसे अग्री ना करूँ बट आई विल डिफेंड योर राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट एज वेल जो ये वॉल्टियर एक राइटर था उसने बात कही थी कि इवन दो आई वोट अग्री बट आई विल डिफेंड योर राइट कि आप को अधिकार है मेरे साथ करने का hmm. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इतने सारे वो हैं भाई तो अनिर्माण का उसमें जो की है आप तो हारे हाँ। तो बोल ही सकते हैं कि उसको कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो इंडिया में राइट है उसमें दैट हैज एट एक्सेप्शन कहते हैं इट इज़ अ लिस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस इज द एक्सेप्शन एग्जैक्टली exactly, mm -hmm. यूकि उसके अंदर यह है कि ये स्पीच प्रोटेक्टेड है mm -hmm. ये वाली स्पीच प्रोटेक्टेड नहीं है यहाँ बोल सकते नहीं बोल सकते मीन सो दे मे मै सो फट एंड एज अ रिजल्ट ये वाला सीन होता है प्लस हमारे यहाँ एक और दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ डिस्कोर्स का कल्चर नहीं है mm -hmm. हमारे यहाँ मैंने कुछ बोला मैं ऑफेंड हुआ अब मैं तेरे को मारूँगा कल्चर है जैसे विवाद करते हैं ना mm -hmm. हमारे विवाद आई दर आर लाइक सो इन सरफ़ यूज लॉजिक आई थिंक वी विल यूज जब आप कभी पोलिटिकल पैनल देखो यहाँ कोई न्यूज़ एंकर वगैरह बात कर रहा होता है लोग बैठे होते हैं जहाँ विवाद होना है जहाँ लोग लेट्स गो टू फाइन द ट्रूथ नहीं वहाँ सेंसेशनलिज्म हो जाता है कि वहाँ ऑडियंस बैठी है आपको तो पता ही हमने क्या क्या किया है और लाइक जो भी कुछ है और देन सम काइंड ऑफ लाइक क्या कहते हैं इमोशनल सेंसेशनिस्ट वाली ऐसी चीज़ बोलेंगे एज अपोज टू एक यू नो लॉजिक को यूज़ करना hmm. तो यहाँ वो वाला सिस्टम होता है एक्चुअली तो पता है मेरे को भी इन uh, जनरल विवाद से बड़ा वैसा आता है कि कौन करेगा भाई ये बहन जितना लंबा डिस्कशन हाँ मैं गलत, गलत कर uh. खत्म कर देता हूँ तो मतलब आई रिलेट टू दैट फीलिंग दैट पीपल हैव कि मुझे yeah. नहीं समझना है तुम्हारा पॉइंट मेरे को बस शांति से जीने दो वो इट इज़ जस्ट दैट दे हैपन टू बी वेरी पावरफुल तो इसलिए वो करते हैं कि ठीक है लेट मी टेक सम मोर एक्शन टाइट लेकिन ये फीलिंग से तो मैं रिलेट करता हूँ कि मतलब यार इतनी वैसी बहन जो टफ सी लाइफ है इतना उसमें भी तुम मेरे को जो हर किसी हर मोड़ पे ऐसे अटक के वो आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस करने लग जाते हैं ना कि मैं अपने लैंडलॉर्ड को भी समझाऊंगा कि लड़कियां लाना क्यों गलत नहीं है लगता है कि भाई कितनी तुम में यार में जो स्टैमिना और कैपेसिटी है कि तुम लड़े जा रहे हो वो तो खैर सीन है ही मतलब वर्चुअली हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह आप अगर प्री मैरिडल सेक्स कर रहे हो तो आप में कोई कोई यू नो कुछ खराबी है या फिर आप को कैसे मिल रही है <laughs> <laughs> क्या क्यों मतलब हमने तो शादी करी और हमने तो अब हम परेशान हो रहे हैं और अब तो आप कैसे कर रहे हो वो प्रो प्रोजेक्शन हो जाती है फिर दूसरे आदमी की जलेसी की मुझे ना जैसे कई बार ये लैंड वगैरह बोलते हैं कि लड़कियां लाना अलाउड नहीं है नहीं वो मेरे को लगता है उनको थोड़ा असेस करके बोलना चाहिए कि वो बंदे को भी देखें कि भाई क्या ये सही में बहुत सारी लड़कियां ला सकता है क्या ये ऐसे टाइप का प्ले बॉय है या फिर हो सकता है कोई बहुत ही सीधा साधा किसी एक को डेट कर रहा हो या कुछ वो कर रहा हो लेकिन अगर मतलब तुम सोचो कोई लैंड तुमसे पूछे तुम क्या मतलब तुम्हारा स्टेटस क्या तुम तो बोलोगे मैं कोई मेरी छः साल से गर्लफ्रेंड है तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना hmm. मेन तो सोसाइटी वाले इसीलिए बात करते हैं कि इसमें अलग अलग लड़कियाँ आती हैं क्या है वो है तो आ...

हाँ हाँ साढ़े छः साल हो गए मेरे को साढ़े छः साल हो राइट तो हाँ। uh, so so right? so, मैंने एक वीडियो डाला था इन मार्च 2019 थाउजेंड हाँ। और uh, तो उस टाइम पे प्लान था टू रिलीज थ्री वीडियोस एट रिकॉर्डेड थ्री जिसमें से सेकंड थर्ड वाला बिल्कुल अच्छा नहीं आया था तो मैं सोचा था ये right. नहीं डालूंगा फर्स्ट वाला डाला फर्स्ट वन डिन डू वेल तो फिर मैंने फिर वो कॉम्प्लेक्स में ही सेकंड वाला कभी नहीं डाला वो वीडियो

कुछ ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए तो फिर मेरी फट सी जाती है hmm. तो वो थोड़ा टाइम लगा टू गेट कम्फर्टेबल तो ये फिर जैसे पैंडेमिक में तो हो सकता है परसपेक्टिव आ गया कि भाई हो है, सही में ही खत्म हो जाए दुनिया दिस माइट एज वेल बी लास्ट बैच ऑफ और फिर तब मैं फिर दिल्ली में वापस जाके जाकर लग गया तो मैं मतलब मैंने मल्टीपल सीन्स में शिफ्ट कराया कि पहले बैंगलोर में स्टार्ट करा था फिर दिल्ली गया था फिर अहमदाबाद में स्टैंड अप करा हुआ है फिर बॉम्बे आया था तो उसमें से सबसे कंफर्टेबल मैं दिल्ली सीन में फील करता था तो ये जिस क्लब में रिकॉर्ड करा है हैप्पी हाई है। ये तीन कॉमिक्स ही चलाते हैं और ये तीन कॉमिक्स भी मतलब अच्छे वार्म कॉमिक्स हैं तो मेरे को हैप्पी हाई है पे बहुत कंफर्टेबल लगा था इसलिए वहाँ पे सीरीज़ ऑफ़ वीडियोस एकदम अच्छे से आए थे अभी हाई पे और म्यूज़िक वाले वेन्यू वो भी अवेयरने स्टार्ट हाँ। कर दिया उन लोगों ने हाँ मेरे एक दोस्त सुमित रोज ने रिसेंटली अपनी केक वगैरह करी थी वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था बट लाइक ये चीज़ क्या है क्योंकि मैं अब अब नादर टॉकिंग टू कॉमिक्स वट इज दीडियो सिग्नीफाई क्योंकि yeah, like, yeah. तो आ, जैसे तुमने वो बिल्बर की फिली रैंट देखी है, हाँ, हाँ, वो, है? सिर्फ वो ऑडियो में ही रैंट हाँ वो ऑडियो में ही रैंट एक थोड़ा एक ब्लर्ड सा वीडियो भी है उसका जिसमें तुम्हें मतलब वो अपना माइक स्टैंड हिलाते हुए दिख जाएगा कि उसका शेप हिलती हुई दिख जाएगी आई एम श्योर मल्टीपल कॉमिक्स नाइट लाइक दैट ठीक है इट इज़ जस्ट दैट समबडी हैपन टू रिकॉर्ड दैट वीडियो तो वीडियो का सिग्निफिकेंस ये है कि हर कॉमिक कुछ रातों पे बहुत ही फाड़ होता है कईयों पे बहुत बॉम करता है तो मैं ये बेस्ट पहुंच सकता हूँ वो रिकॉर्ड करके अगर तुम लोगों को दिखाओ तो लोगों को लगता है कि अच्छा हाँ इसके आसपास एक्सपीरियंस होने वाला है एक सीजन कॉमिक ऐसा होता है कि वो अपने बेस्ट और वर्स्ट एक लुई ने ही बोला था कि मतलब माई वर्स्ट शोज हैव स्टार्टेड कमिंग अप तो मेरे बेस्ट शो और वर्स्ट शो के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है

आई डोंट थिंक ही आई डोंट नो हिम बट लाइक इट्स इट्स हार्डर एंड हार्डर टू फाइंड अ कोल ऑडियंस फिर वो ऐसे बात बात करते हैं कि ना टाइम टू गो टू दी ओल्ड स्टम्पिंग ग्राउंड जैसे रॉकी बैलब में बोलते हैं ना कि पुरानी जगह जाके जहाँ जिन जिमों से हम सीख के आए वहाँ जाना है लाइक डज इट दैन बिकम ऐसा कभी होता है फिर कई लोगों की उसके अंदर कि यू गो समेयर एंड यू नेवर मीट कोल ऑडियंसिस एवर यारो कोल्ड और वार्म ऑडियंस में मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ कि जो वार्म ऑडियंस है ना उसके पास कॉन्टेक्स्ट है कि तुम कैसे इंसान हो तो अगर मैं एक नए ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे को शुरू में तो ऐसे ही जोक्स करने पड़ते हैं दैट इस्टेब्लिश मी एज अ पर्सन ताकि अगर आगे मैं कुछ जाके पैटी बातें करूँ तो वो ये ना सोचे कि ये कैसा चूतिया ख़राब आदमी है उनको ऐसा लगे कि वो अच्छा हाँ इसने बताया था अपने बारे में ये ऐसा ही है आदमी और वो उसने इस्टेब्लिश कर दिया है तो जब भी कोई कॉमिक पॉपुलर हो जाता है तो वो दो चीज़ें इस्टब्लिश कर देता था दो कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर देता है कि मैं बेसिक टाइप का ऐसा आदमी हूँ कि जो दिल्ली में कहते हैं चौदह आदमी है ये वो है। और दूसरा कि मैं इनहेरेंटली फनी तो हूँ तुमने मेरे को कभी ना कभी फ़नी होते हुए देखा है ठीक hmm. है तो अब वो किसी नए माइक में भी आएंगे जिसमें अगर कोल्ड ऑडियंस है लेकिन वो जानती है बस्सी को तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अनलेस वो कोई बहुत ही और एक्चुअली अगर प्रॉब्लम होती भी है कि वो नया कोई नया सेट कम्प्लीटली ट्राई कर रहा है जिसमें ऑडियंस को नहीं हंसी आ रही तब भी उसे थोड़ा सा तो लाभ दे ही देंगे कि तुम हो तो फनी शायद हम ही मिस कर रहे हैं कुछ जोक हमसे ही चूक हो जाए आज भी अपने आप पे कॉम्प्लेक्स खा रहा जाए हो सकता है मेरी फ़नी की जो वो है ना वो कम है मैं परख मैं परखना नहीं जानता हाँ, भाई, भाई कॉमिक्स बहुत डांट के क्यों मज़ा नहीं आ रहा तुम और जो खासकर जो थोड़ा बहुत सटायर करते हैं कुछ अच्छा पॉलिटिकल कॉमेडी करते हो कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आया तो ऑडियंस कहते कि नहीं 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 आया आया समझे समझे हम भी पढ़े लिखे है इस बात में यही इंस्टाग्राम पोइट्री साथ भी ऐसे ही होता है मैंने पहले जब स्टाइल मारने के लिए बहुत एडजैक्टिव वाली पोइट्री लिखता था छोटे होते फिर ओके नहीं नहीं समझ नहीं आया बड़ा अच्छा लगा देख के इट्स ऑलसो वियर लाइक एज अ परफॉर्मर यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि लोग हंड्रेड परसेंट तो जानेंगे कई परफॉर्मर तो बोलते भाई हम यही चाहते हैं लोग हमें समझ पाए यार हमारा दर्द समझ पाए लाइक सच सच बहुत अजीब सी चीज़ है उस पर पूरी जिंदगी लगा देना कि यार मैं बस समझना चाहता हूँ और ऐसे लग रहा है तुम्हारा भाई जो दर्द ही नहीं खत्म हो रहा है, <laughs> है? <laughs> वैसे कितना दर्द है तुम एक ही पोएम में जो दर्द है वो ऐसे पचास बार परफॉर्म कर रहे हो मतलब मुझे पोएट्री के सर्किट का ज्यादा आइडिया नहीं बट स्टैंड तो हम बहुत बार परफॉर्म करते हैं <laughs> मतलब लेकिन क्या वो फीलिंग एग्जिलेटिंग होती है कि मतलब अब मैंने ये अपना इमोशन कन्वे कर दिया तो अब मेरे को इस बारे में खराब नहीं लग रहा है हाँ ये पूछ रहा हूँ तुमसे आई थिंक मैंने तो देखो मैं मेरा दुर्भाग्य कभी ऐसा रहा नहीं है कि मैंने इतनी ज्यादा परफॉर्म करी है मैंने एक दो बार कर दी वो भी इंग्लिश पोएम दो हज़ार में कर खुरा छोड़ दी अब मैं लिखता हूँ बढ़िया अपने राय मीटर और स्कीम के साथ प्रॉपर मैं बात कर रहा हूँ वो वाले उनकी कि आई वॉज लॉस्ट आई वॉज मी अब मैं समझता हूँ टॉक थेरेपी की वैल्यू क्या होती है कि आप बार 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 एक इंसिडेंट के आर बात करते हो तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है से ब्रेकअप के आ रहे कितनी बार बात करेगा आदमी लाइक अच्छा ठीक है हो गया बुरा आप चलो आगे चलते हैं आपको उस चीज़ के लिए वैलिडेशन मिलती होगी और वहाँ कई और आशिक आए हुए जिनके दिल टूटे हुए हैं ah. और वो फिर यूँ करेंगे गुड hmm. वन hmm. बहुत बढ़िया तो वो लाइक आई डोंट नो किस इट्स नॉट सस्टे लाइक सोल के लिए अच्छा नहीं है किसी को हंसाने जाओ कोई गिटार बजाओ तो भाई अच्छा भी लगता है कि वाह मैंने कोई अब ऐसे आप you यू नो know, रंडी रोना कर रहे हो इतनी देर तो <laughs> कब तक करते रहोगे तो मेरे को ये लगता है कि आई लिसन टू पोइट्स परफॉर्म कुछ हिंदुस्तानी पोइट्स अच्छी भी लगते हैं बट तो जो ये इंग्लिश में ब्रेकअप की बात करते हैं ना वो क्या सो तो बोरिंग यार क्या यार तुमने अभी तक सबसे पहले तो तुमने एक ही ब्रेकअप करा है जिंदगी में तो तुम्हें लगता है कि ओ यही है दुनिया का सार और मैं ही हूँ वो ज्ञानी जो बताने वाला है अब कि कैसे होता है वैसे अगर तुम्हारे कुछ चौथा या पांचवा ब्रेकअप हो जाए तो तुम उसमें मतलब ऐसा होता है कि सरप्राइज भी नहीं होते हो कि ऑफकोर्स होना था मैं तो सरप्राइज था जब तुमने डेट करना शुरू करा मेरे तुम्हें क्यों <laughs> लगा पाँच मिनट के लिए भी कि मैं अच्छा <laughs> इंसान हूँ आदमी जब अपनी इनेट जो उसके अंदर की अंदरूनी पर्सनलिटी होती है जब उसके विरोध में कुछ करता है तो वो फेटलिस्टिकली सोचता रहता है ये कब खत्म होगा कब 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 मेरे पत्ते घटेंगे इनको पता लग जाएगा कि मैं इस तरह का हराम ही हूँ जो तुम ये इमोशन में वो कह रहे हो ना तो स्टैंडअप में एक उल्टी प्रॉब्लम जो मेरे को आती थी वो ये था कि अगर कोई किसी चीज़ के बारे में मैं पहली बार बात कर रहा हूँ तो पहली दूसरी तीसरी बार तो वो इमोशन रहेगा इंटैक्ट बट फिर उसके बाद जो मैंने अभी सेट निकाला है <coughs> वो इंसिडेंट हुआ था 2019 में ठीक है तो अब उसके बारे में मैं अभी भी कैसे उसी सेम इंटेंसिटी के साथ बात करूँ वो इमोशन कैसे पोर्ट्रे करूँ वो चीज़ टफ होती है तो वही मैं तुमसे सेम चीज़ पूछ रहा था कि क्या वो पोएटरी में ओवर द परफॉमेंसेज फेड होने लग जाता है वो इमोशन क्योंकि हमारे में फेड होता है और फिर उसके बाद मेरे को किसी तरह से वापस लाना होता है कि वो इतना पहुँच जाए कि लोगों को ऑथेंटिक लगे कि हाँ ये जिस बारे में बात कर रहा है इसके साथ सही में हुआ है मैं तो सिर्फ पोइट्री कारण मार रहा था मैंने खुद परफॉर्म नहीं करा ऐसा तो मैं उस पर टिपिन एक दो बार करा था और वो भी दारू पी के इम्परफेक्ट एक जगह दिल्ली में पता है वहाँ वहाँ करा था और फिर समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हो तुम और ना दूसरे को समझ में आता तो आसान इंग्लिश में करना होता है और कभी किसी ने मेरे को कभी उन पोइट्री फेस्ट पे बुलाया नहीं ऐसे कि सुनो कि ये करो लंबे समय तक अपनी वो कहानी बट आई नो हुसैन हैदरी और उनकी पोएम्स बढ़िया हैं हुसैन की जो हिंदी में करते हो पर आई डोंट नो क्या एक्सपीरियंस होता होगा कि जा जाकर क्योंकि अभी आज के दो के अंदर आपको कवि हो जैसे भाई मैं कवि हूँ अच्छा जी क्या सुनाने वाले जैसे मे सुनाने वाला हूँ अच्छा सुनाओ मैं मैं जे एन यू गया था हाल फिलहाल में एक दोस्त की सुमित की गिग पे वहाँ कवि आए हुए थे बड़े सारे यार मतलब मतलब ना खड़े खड़े आदमी के पैरों वैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है यार इट्स वेरी इंटेंस मटीरियल तो लाइक वॉट यू डू एक दो मतलब मैं रियलाइज करता हूँ कि जिस तरह से मे बी इवन अगर थोड़ा सा तुम्हें तो थोड़ी सी नरेशन करनी है फिर एक जोक तो नरेशन अगर तुम बहुत सारे हैवी वेवी करोगे तो लोग थोड़े Overwhelm हो जाएंगे ना hmm, मतलब ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है पोइट्री इज लाइक वॉचिंग पोइट्री स्पेशली साउंडिंग थ्री पोएम्स इन पोय इज लाइक दैट इट गेट्स टू इंटेंस वो रिलीज नहीं आता जे एन यू में कोई रिलीज नहीं आया मेरे को एज एन ऑडियंस एंड जब तक कि सुमित ने अपने रैप नहीं बजाए मुझे कोई रिलीज नहीं पोइट्री में मेरे को बैठ वहां ऐसा लग रहा है कि मातम का माहौल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है एक पोइट और बढ़ा रहा है देश की इतनी माच उठ गई अरे कब तक रहेगी? भाई फक मेरे को में ऐसा होता है ना कि अभी तुमने एक फनी देखा उसके बाद अगर शो देख रहे हो हाँ। उसके बाद इस बंदे को और टॉप करना है इसने और हंसाया और हंसाया और किल कर रहा था उसमें पोइट्स में फिर ऐसा होता कि मेरे को और दुखी करना है और फिर एंड तक तो आवाज़ें सुनाई दे रही थी रोने की बट स्टैंड में रिलीफ होता है ना लाइक अ बिग पार्ट ऑफ स्टैंड बट रोना भी रिलीफ ही है हाँ द, 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 वो हम रोए नहीं ना हम दुखी हो गए हाँ. दुखी इज नॉट रिलीफ लाइक मैं दुख का इमोशन जानता हूँ मैं उसमें रहा हूँ मेरे लिए वो रिलीफ नहीं है वो ये है कि चलो जी एक्सेप्ट फीलिंग सैडनेस आ रही है ठीक है वो सैडनेस में बस दुख की ये आदमी मेरे को पीढ़ा दे रहा है हुँ. अपनी ये बात बोली क्योंकि मेरे को कोई आनंद नहीं आ रहा ठीक है मैं समझ गया तेरी जिंदगी में दुख है एक बार दो बार तो उसमें मेरे को तो कहीं इन्वेस्टमेंट दे यू नो लाइक द रीजन आई लाइक स्टैंड अपर इवन पॉडकास्टिंग और कॉमेंट्रीज एटलीस्ट इन्वाइट दस इन यूर लाइफ कि सुनो मैं एक बात बताने वाला हूँ इस टाइम की और ये होता है वो होता है फिर आप ऐसे करते हो आप लोगों को पता ही ना ऐसे वाले लोग ऐसे करते हैं लोग बोलते हैं हाँ नोट करते हैं कुछ बस पोइट्री में भी तो यही है इतने इंट्रेक्टिव नहीं होते हैं मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस करा ना इट नॉट वेरी इंट्रैक्टिव और पी वो मोनलॉग्स लंबे लंबे मोनलॉग करेंगे वहां तालियाँ यू डू इट तुम तालियाँ बजाते हो

तो वो मेजर डिफरेंस है कि मतलब तुम एक्चुअली में जब कोई चीज प्रोफाउंड सुनते हो तो तुम्हारा इनवॉलेंट्री रिएक्शन ये नहीं होता है कि मैं ऐसे करने लग जाऊंगा वो तो ट्रेन करा है तुमने ऑडियंस को जैसे हमने ट्रेन करा है कि तुम अपलॉज ब्रेक देना जब मेरे तुम जोक्स पे लगातार हंसे जा रहे हो हंसे जा रहे हो तब तो फिर एंड में फिर अपलॉस ब्रेक आना चाहिए ताकि फिर मैं इस पे वीडियो एंड करूंगा थिंक हाँ अब मैं थोड़ी पोइट्री के थोड़ा रिवर्सल लेता हूँ ये भी लगता है कि अगर वाकई में प्रोफाउंड बात कही तो आदमी उस पर हंसेगा भी नहीं है ऐसे भी नहीं करेगा वो शायद भी करेगा चुप ही रहेगा जैसे रूम टे खड़े हो जाएंगे मैक्स टू तो मैक्स की भाई वाह भा, क्या बात बोलती जैसे जिसमें रूमी की कोई पोइम पढ़ता हूँ मैं रूम टे खड़े हो जाते हैं yeah. और तो रूम टे खड़े हो जाए कैसे लगता है लोड़े खड़े हो जाते हैं फॉर सम रीजन बट लाइक आई जस्ट नेवर गो देर बट मेरे को मैंने कभी किसी से बात नहीं करी वैसे ऐसे थोड़ा चीप सा काउंटर भाई मेरे रूम टे खड़े हो गए mm. like, रूम टेक कोई ऐसे अंदरूनी कोई कोई अंग है जो जिसका कोई इस्तेमाल करता नहीं जो कभी कभी यूज़ करते हैं जैसे यू नो फोर्ट नाइटली डिक जैसे एक डेली डिक होता है एक फोर्ट नाइट डिक हो गया हो गया तो लाइक बियॉन्ड स्टैंड अप अपड एल्स डू डू ये तो हम बात कर रहे थे वैसे बट लाइक दर्शकों के लिए या ऐसे बताने के लिए और रेस्ट फुल टाइम तो अभी नहीं करते अप अभी प्लंज लिया है मैंने मैंने जस्ट अभी हाँ मतलब तीन हफ्ते हुए मेरे को जॉब छोड़े हुए एक हफ्ता और मेरा नोटिस पीरियड चल रहा है अभी <laughs> तो उससे पहले तक मैं सोनी लिव में जॉब <laughs> और उससे पहले एम बी ए कर रहा था तो साढ़े छः साल से कर रहा हूँ मैं ठीक है तो उस जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैं कंसल्टिंग में जॉब कर रहा था फिर उसके बाद मैंने दो साल माइका गया था अहमदाबाद एम बी ए करने और फिर उसके बाद ढाई साल से ये सोनी में जॉब कर रहा था तो और उसके अलावा ये बहुत ही एग्जिस्टेंशियल सा क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी बहुत सोचता रहता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में स्टैंड अप नहीं है तो क्या है मेरी वर्थ कि मैं क्या करता हूँ और ज़िंदगी में तो बाकी फिर बेसिक खाना पीना टाइप कई चीज़ें हैं जो करता हूँ और कुछ ऐसा मेजर एक टाइम पे मेरी बहुत ये आइडेंटिटी होती थी कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ मैं आईएमडीबी की जो टॉप टू फिफ्टी मैंने क्राइटेरियन कलेक्शन में हार्ड डिस्क टॉरेंट करके पूरी भरी हुई है, <laughs> है अपनी ये सारी मूवीज और मतलब वो आ, ये जब मैं स्टैंड अप नहीं करता तो मैं कॉलेज में अंडर में थिएटर करता था फिर कॉलेज खत्म हुआ था और थोड़ा सोलह पास करता हाँ ये अंडर में जब थिएटर करता था और स्टैंड अप शुरू करने के बीच में डेढ़ साल का गैप था तो वो वो डेढ़ साल मेरी आइडेंटिटी यही थी कि मैंने कॉलेज में बहुत अच्छी अच्छी फिल्म देखी हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो बहुत अच्छा कॉन्टेंट देते हैं और अपनी हार्टिस्ट में को लेंड कर दिए थे हाँ।, हाँ तो वो एक था कि मैं उस टाइम पे मैं बहुत अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ मैं बहुत अच्छे मूवीज़ देखता हूँ ये नोटिस करा आगरा मुंबई के बीच में मैं तो यहाँ मैं मुंबई में आठ महीने रहा हूँ एक बार एक बार दो महीने रहा हूँ अब मैं फिर से इस हफ्ते के लिए आया हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ और मैंने किसी से जुक भी कर दिया है तो थोड़ा सा फ्रेंड हो गया मैंने कहा यहाँ ये पूछते रहते हैं वोट यू डूब रो वो यू डूब रो वो यू डू ब्रो आदमी बोलता है मैं ये करता हूँ अच्छा तुम ये करते हो मैं ये करता हूँ अच्छा हुँ। और ना मैंने रियलाइज़ करा मैं ऐसा बदतमीज़ आदमी हूँ कि ना वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है वो क्या करता है मैं वो अच्छा ठीक है मेरे पास ना फॉलो अप होता नहीं उसके लिए कई लोग बोलते हैं जो खुद से बहुत लंबा बताने लग जाता है कि मैं तुमने वो इंस्टाग्राम के बायो देखे हैं ऐसे राइटर आ... ये फिर डॉग लवर पेड ऐसे जो पांच छह जो चीज़ें करते हैं तो मेरे मैं उसमें भी थोड़ा टर्न ऑफ जाता हूँ कि यार तुम्हें भैं से बहुत सारी चीज़ें करते हो और बहुत बताना है अपने बारे में तो उसमें फिर सुनने में ऐसा लगता है कि मुझे नहीं बताया बट यहाँ ये चीज़ है लाइक ये मुंबई में एक्सपीरियंस करा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि जी, जी मैं एक बेटा हूँ कि हम क्या करते मैं एक अच्छा बेटा नहीं इन द सेंस कि जैसे चल जाता है ऐसे Hmm. ज्यादा नॉर्थ इंडिया में थोड़ा टीए टू हाँ, इंडिया हाँ, में चल जाता हाँ, है टी टू में लोगों की ऐसे तीन चार आइडेंटिटी नहीं है हाँ, क्या करते वो घी का बिजनेस है हमारा हाँ, वो जाते हैं और फिर शाम को एंजॉय करते हैं इन्जॉय हाँ, 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 हम तो जी एंजॉय करने वाले लोग हैं हाँ, हाँ, वो, वो उनकी हम हाँ मेजर आइडेंटिटी यहाँ पे है कि भाई मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ सुबह सुबह और फिर उसके बाद मेरी एक जॉब है और फिर उसके बाद मैं एक पॉडकास्ट चलाता हूँ और फिर एक फिर रात को मैं मतलब कुछ स्ट्रे डॉग्स को फीड करता हूँ ये पाँच छः आइडेंटिटीज ये यह हाँ ये ये हॉबीज के थ्रू वर्चुअल सिंगलिंग बन गई है वो लाइफ बन गई है फिर हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि, कि, कि सिंग हाँ। मतलब सिंगल डायमेंशनल मत समझना मेरी पर्सनालिटी को कि तो मगर सोच रहा हो कि मैं एक <laughs> ये चीज़ करता हूँ उससे ना मुझे थोड़ा लगता है कि उससे थोड़ा वेट भी कम हो जाता है जैसे जब मैं फुल टाइम स्टैंड अप नहीं करता था जॉब भी करता रहता था तो लोग उसको वैसे देखते थे कि वो वनीला आइसक्रीम पे चॉकलेट सिरप है कि भाई आ, हाँ, हाँ स्टैंड अप करते हो अगर उसमें अच्छा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं तुम्हारी जॉब भी है स्टेबल है तुम जब कोई एक ही चीज़ करते हो तो फिर तो फिर प्रेशर आता है कि अच्छा तो कित, क्या प्लान है कितने साल में तुम्हें लगता है तुम कित कब मॉनिटाइज कर दोगे ये सब कुछ कुछ कर दोगे आ, कौन कहता है ब्रैड पिट ने कहा था उसमें क्लब में कि यू आर नॉट योर जॉब भैया क्या करें फिर बताओ मतलब और और क्या बने ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप जो काम करते हो सेल्फ वर्थ अटैचमेंट करो कैसे करें सेल्फ ना करें सेल्फर्तना अटैच मैं मज़ा आते हैं वो करके अच्छा लगता है आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ नहीं होती आप बढ़िया काम करते हो अच्छा नहीं लगता या उसे अंदरूनी कहीं ढूंढने के लिए मेडिटेशन रिट्रीट में जाए या बोले कि नहीं नहीं यार ये जो काम कर रहे हो इसके यू यू आर गुड एज यू आर कौन आदमी सोचता है ऐसे केवल जो ललो चप्पो करने वाले हैं जो वेलविशर हैं वही सोचते हैं मैं तो नहीं सोचता ऐसे आई एम गुड एम आई एम कुछ नहीं करता मैं हालांकि गोल तो यही है कि तुम अपने आप को सब चीज़ से डिटैच कर लो लेकिन आ, मैंने एक आध जो थोड़ी बहुत ऐसी स्पिरिचुअलिटी वाली बुक्स हाँ। पढ़ी तो उसमें आ, तुम अगर आ, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो, तो वो तुम नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो तुम्हारी एक सेपरेट पेन बॉडी है जो कर वो एक आटोली कहता है और तुम बाहर से उसे देख रहे हो पर मुझे लगता है भाई मैं तो अंदर से भी पेन <laughs> फील कर रहा हूं यार <laughs> मैं तो अभी तक डिटैच कर नहीं पाया हूँ हाँ। मैं एक को पढ़ता हूँ ना

फंडे पता है जैसे आ, सुपरानोस देखा तुमने yeah. ब्रो आई लव पर लोग देखते नहीं हैं जो गॉडफादर में हिला रहे हैं सुपरानोस इज रियल शिट सुपरानोस में जब वो थेरेपिस्ट उसको बोलती है ना कि आई थिंक आईव जस्ट गिवन यू द वोकैबुलरी टू जस्टिफाई योर ईवल एक्ट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ें पढ़ के बस ये है कि मैं ऐसे बोलूँगा कि अच्छा एक्चुअली मैं इसलिए मैंने उसे थप्पड़ थप्पड़ी मारा क्योंकि फ्रॉइड ने कहा था कि अगर बचपन में तुम्हारा ट्रामा रहा है तो फिर वो तो तुम उसमें एक्ट करोगे तो हाँ थोड़ा फिलहाल इस फेज में होगा कि मुझे लगता है कि अच्छा तुम्हें तो बस वो एक्सप्लेन करना ढंग से आ जाता है लेकिन लाइफ पे मैं मेरी लाइफ पे तो अभी तक कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है एक चीज़ है जो सेल्फ वर्थ की बात कर रहे हैं तो जब मैं स्टैंड अप नहीं करता था तो ये चीज़ से मैं बहुत मेजर सेल्फ वर्थ डिराइव करता था कि मैं इन पर्सन फनी हूँ हम्म ठीक है मैं भी ये करता हूँ भी हाँ हाँ तो अब फिर जब स्टैंड अप करने लग गया हूँ तो अब मेरी वो नीड खत्म हो गई कि मैं एक अननोन ग्रुप में जाके पहले से होता था कि मैं कब कुछ छुपू तो मैं भैन चुकूँ इसके बारे में मेरे को कुछ जोक है तो मैं बोल देता हूँ ताकि उनको सबको पता चल जाए कि भाई मेरा ह्यूमर कितना बढ़िया है अब मेरा वैसा है कि अगर इतना ही दम है तो भाई फिर स्टेज पर करके दिखा दो ये तो थोड़ा मैं पोस्ट स्टैंड अप इन पर्सन नॉर्मल इंसान हो गया हूँ जैसे जो पहले थोड़ा हाइपर हुआ करता था

तो हाँ तो मुझसे मैंने एक मैंने एक कहीं पता नहीं मीम है सच है मैंने एक कुत्ते के देखा बोलते हैं ना कुत्ते सगे और लॉयल होते हैं जिसके अंदर है, एक कुत्त एक आदमी ने अपने कुत्ते को छोड़ दिया उस कुत्ते ने सौ किलोमीटर ट्रैवल करा उसे हाँ। काटने के लिए कितनी बढ़िया बात है कुत्ता वेंजफुल कुत्ता कुत्ता ऐसे होता है कि यार दयालु चलो माफ कर दो मालिक ये कोई बात नहीं वेंजफुल कुत्ता है है क्यों बाहर से लेके बैठा हुआ देख कि कब निकलेगा फिर दूंगा भाई तुम्हें वो बहादुर बिल्ले

मेरे मेरे को ना मेरे मेरे को ना जानना तुमने मेरा कार्टून वही है, उस अब, है। अब वो हाँ। तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ उनके बचपन का हिस्सा तो ये, है, हाँ। की और ये है। हाँ। Actually, देखा है कि कॉलेज ना जितने भी टी आर टू के बच्चे होते हैं वो इसी सब जो हर कार्टून के ओपनिंग जिंगल का हिंदी वर्जन होता है उसी पे बॉन्ड करते हैं यहाँ बच्चा सबसे होशियार ओपनिंग थीम बहुत ही वी ऐसे जैसे भूल गया इसको वीडियो का मैं बताता हूँ क्योंकि जैसे अब क्या है मुंबई में कई सारे डबिंग स्टूडियोज़ हैं अंधेरी इसमें भी बहुत सारे हैं ना तो चलो उसको वीडियो तो इंडिया में आ रहा है अब कौन देख रहा है कौन देख रहा है कि क्या क्वालिटी क्या है किसी को भी म्यूजिशियन को ले आओ जो दो टू थाउजेंड्स के अंदर मुंबई बीट्स वाली सीडीज़ पे इनके गिटार गाने आया करते थे उनमें से किसी को उठा लिया नाइनटी सिक्स की बीबीएस में बना रखा वो गाना बहुत ही अनमास्टर्ड मास्टर्ड है गाना कहते हैं मूसू मूसू हाँसी वही वाला बंदा है जैसे शायद ये वही है जिसने वो मूसू हासी हाँसी स्कूबी डू डू कहाँ छुपा छुपा तू, चुपा तू? हा, हा, सुने, सुने। करना है कोई क... मुझे ऐसा लगता है कोई गोवा का हिप्पी कोई वो गा रहा है स्कूबी डू का कोई लेना देना नहीं है उससे स्कूबी डू एंड ऑल दीज कार्टून्स और वीड ब्रो आई आई मिस आज के लिए के अंदर छोटा भीम और वो गेमर्स को देखते हैं बस जो 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 गेम खेल रहे हैं और हिंदी में कमेंट्री कर रहे हैं वैसे नए न्यू एज कार्टून में दे डोंट हैव लाइक गुड शेड आई थिंक ये इसलिए है जब हम बचपन में देखते थे तो बिकॉज हमारे में ये फिल्टर नहीं था कंज्यूम सुपरियर कॉन्टेंट तो वी वुड एक्सेप्ट द लेम इन्वाइट और फिर उसके बाद जो लेयर्स उसमें थी वो एज अडल्ट हम अप्रिशिएट कर पाते हैं कि जैसे करेज द कार्डली डॉग के बहुत सारी थ्योरीज है ना कि वो एक्चुअली में उसके ओनर्स मर चुके हैं और वो ये अपने मन में रैशनलाइज करने के लिए कि ये जिंदा है कुछ कुछ छोटे छोटे टास्क बना रहा है कि मैं उनको बचा रहा हूँ लेकिन वो एक्चुअली डेड ओनर्स के साथ रहता है और रेअली really? ये है एक ये है करश द कार्डली डॉग एक्चुअली में कोई आ, उसके बारे में नहीं है कि ये एक्चुअली में एलियंस नहीं आ रहे इट इज़ अबाउट योर ओन मेंटल स्ट्रगल्स अबाउट एंगजाइटी तो हर एक एक डीमन एक फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस है जिसको ये ओवरकम कर रहा है ठीक है तो ये सब लेयर्स के साथ वो राइटर्स उस टाइम पर लिख रहे थे बट प्रजेंट उसे ऐसे कर रहे थे कि तुम एज अ किड भी देखोगे तो तुम्हें वो एंटरटेनिंग लगेगा और फिर एज एन अडल्ट देखोगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज तुम्हें समझ में आएंगी आई थिंक जो अभी के कार्टून आ रहे हैं उसमें भी ऐसा तो है नहीं कि राइटिंग खराब हो गई होगी तो वो क्योंकि हम वो लेम इन्वाइट में नहीं जा पा रहे हैं तो hmm. इस चक्कर में वो लेम इनवाइट वो बच्चा इम्प्रेशन बच्चा जो कुछ भी देखेगा जो कुछ भी देख लेगा I see what you mean. Hmm. जैसे मेरे को इसलिए मेरे को बोजैक हॉर्समैन इतना इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आई वेंटेन फॉर द स्टूपड एनिमल जोक्स ये शुरू में मैंने देखना इसलिए करा था कि कितना एपिसड्स है ये कि हाँ. एक हॉलीवुड है जहाँ पे हॉलीवु है सॉरी हाँ. जहाँ पे ये सारे जानवर हैं और रिपोर्टर्स चिड़ियाँ हैं वो अचानक से उड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसने इतना अच्छा शिफ्ट लिया था अबाउट हिज मेंटल स्ट्रगल अबाउट द फैक्ट दैट कैन समबड़ी चेंज यस ब्यूटिफुल शो फोर्थन तक मैं उसको पीते पीते दारू पीता था क्योंकि वो मैं मैं उसके साथ जा रहा था वहाँ पे लाइक <laughs> like, आई थिंक वट पीपल वॉल द मोट इज द परमिशन टू बन एस वाले डेट यार बो जाए तो यार दुख mm -hmm. ही दुख है तो मैं पी लेता हूँ अच्छा आप ये देखो कि कितनी रियल चीज़ें है डायन जिसकी ठीक ठाक करियर चल रहा था बेचारी मोटी भी हो गई उसकी शादियाँ भी कहीं टूट गई फिर फाइनली जाके उसने एक उस चीज़ उस शो के बारे में ये अप्रिशिएट करते हैं कि जो डायन का वेट गेन था तो किसी भी शो के कैरेक्टर ने कभी भी वो पॉइंट आउट नहीं Everybody just accepted that she is going through something. This is just a consequence of it, and this consequence does not matter to us at all. There are zero addresses about her weight gain in the entire show. That's great. I never thought of that. मैंने भी कोई वो जो थिंग्स यू मिस्ड इन बोजैक वाले वीडियो थिंक <laughs> <देखे करें। laughs> जो वो रात को आदमी जब बिल्कुल बोर हो रहा होता है और उसे भाई। भाई वो बीटीएस कंटेंट देखना होता आ, है चीज़ का नहीं और प्लस ना जैसे तुम अगर कोई अब ज्यादातर कंटेंट कंजम्पशन अकेले ही होता है कि आ, तुम फोन पे देख रहे हो या फिर घर पर टीवी या लैपटॉप पे देख रहे हो फिर जो तुमने देख लिया होता है तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो सुपीरियर देखा है बट मैं इसको वोकेबलरी नहीं है मेरे पास बताने की कि मैंने क्या क्या लेयर्स देख लिया है hmm. तो फिर तुम जाते हो वाइस क्रैक पे फिर तुम देखते हो कि अच्छा क्या क्या चीज़ें रिकन मॉर्टी मैं देखता हूँ तो अच्छा फिर तो मैं बहुत स्मार्ट हूं। मुझे पता ही था मैं जो यार ये सब चीज़ें मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ तो वो बोजैक और बोजैक में बहुत नुवानस हैं बोजैक का जो ओपनिंग सीक्वेंस है जब भी कोई कैरेक्टर की डेथ होती है तो वो तो उसे ऑब्वियसली हटा देते हैं लेकिन अगर उसके घर में एक वो बीच में पंच नहीं कर देता है होल होलमे वाल मेक होल हो जाता है तो वो फिर ओपनिंग सीक्वेंस में उस एपिसोड के बाद से वो वॉल में होल रहता है

देन धैनी रियलाइज भैया इसके माँ बाप ने इसको खूब कूटा खूब परेशान करा है इसको अभी पचास साल का हो गया है ना इसकी शादी कुछ भी नहीं चल रहा फिर भी किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है कैसे कर रहा है बूढ़ा हो गया प्रोफेसर बन गया है। और फिर वो स्टार्ट भी एज अ कॉमिक करता है तो मेरे को उस टाइम पे और ये लगा ही ऐसा लगता है कि भाई। hmm. लग लग क्या टेंडेंसीज दिखा रहे हैं शायद ऐसी होता है सबका तो उसमें जो कॉमेडी भी करते हैं तो ऐसे दो लोग होते हैं ना कि जो एक कॉमेडी को एज अ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं कि अब मैं तो, the, uh, तो वो बहुत अच्छे से लिखा था और फिर जो दूसरे होते हैं कि एकदम फुल बस प्योरेस्ट हमें तो वैंपो स्टैंड ही करना है ये, ये, uh, कौन है uh, 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 नहीं दूसरा रॉबर्ट रॉबर्ट नहीं नहीं देखिए

इस बारे में कुछ और बात करें कोई और लेर है कई बार सिनेमा विंस देखने में इसलिए मजा आता है क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं पिक्चर के बेस्ट पार्ट वापस से देख सकता हूँ जल्दी जल्दी विंस में कि वाई दिस मूवी वॉज अ ग्रेट मूवी वो ऐसे काउंटर चलाता रहेगा यूट्यूब चैनल है पता नहीं उस यूट्यूब चैनल का नाम क्या बट शायद से यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है सिनेमा विंस तो अगर स्पाइडरमैन के बारे में तो, तो आएगा किस तो जैसे ही टोबी आएगा तो फिर वो एक पॉइंट की जगह दस पॉइंट बढ़ा देगा क्योंकि टोबी रिक्वायर्स टेन पॉइंट्स राइट right. और हर एक एक क्लेयर एक कॉल बैक हुआ पिछले सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन से तो फिर उसका एक पॉइंट बढ़ा देगा तो एवरी डिटेलिंग दैट हैज़ गॉन इन टू अ फिल्म दैट नरेटर विल पॉइंट इट आउट लेकिन तुम्हारे स्क्रीन पे वो मूवी चल रही होगी उसके सीन्स छोटे 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 चल रहे होंगे और वो वॉइस ओवर चल रहा होगा और फिर वहाँ पे काउंटर चलता जाएगा तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मेरे को कोई पूरी पिक्चर देखने का मन नहीं है

इन्जॉय नहीं कर पाता हूँ और मूवीज़ में स्पोर्ट्स पूरी तरह इन्जॉय करता हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि जब लगान हो रहा है तो कितना कुछ टेक पे भाई हाँ। अगर ये हार गए तो गांव भी चला जाएगा भैंस सब बाकी गांव वाले भी पीटेंगे भुवन को कितना कुछ हो जाएगा लेकिन जब मैं एक्चुअल मैच कर देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये हारेंगे तो भी तो भैंस लाखों मिलेंगे सबको हाँ। तो क्या ही हो जा रहा है वो तो है ही भाई उससे बहुत एक डर्टी जो कर रहा है मैं करने वाला हूँ नहीं करूँगा मीम देखा था उसके अंदर ना जो कचरा था कचरा के चेहरे पे विक्की कौशल की शक्ल लगा दी आ, अभी हाँ मैंने भी दिखाई अब कचरा भी है हाँ <laughs> <laughs> भाई बहुत मीम मैं मेरे को ऐसा लगता है जो असली आनंद है ना दुनिया का वो मीम में आदमी कितनी भी गंदी सी गंदी बात है नॉर्नमस उसके अंदर बोल जाता जाता है 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 ना और सबको मजा आ जाता पर है। मुझे लगता है एक पॉइंट आएगा जिसमें लोग इस पे पे भी कैंसिल कैंसिल करेंगे कि 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 तुम कर रहे हैं नहीं कि तुमने हमने नोटिस करा करा ह्यूमर वाले पेज पे जाके ये आ, रिग्रेसिव लाइक हुआ हो तो फिर उसका चॉइस ऑफ कंटेंट भी इंपॉर्टेंट पार्टी बन जाएगा But that's weird, no? like, like, कि क्या हो गया आदमी के मान लो तीन मिलियन फॉलोअर है वो क्या? लेकिन आपके लिए मेरे पास एक बंपर इनाम है इनाम तो क्या है 2021 खत्म होने वाला है 2022 शुरू होने वाला है नए साल के अंदर नई स्किल्स के साथ जाओ एक बड़ी स्किल है रीडिंग उससे भी बड़ी स्किल है राइटिंग इन दोनों पे महारत अगर हासिल कर ली जाए तो आपकी एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बन जाएगी टू गार्ड अगेंस्ट द ऑफ फ्यूचर भाई वेब आ आ रहा है, आ रहा है है दिन क्या क्या आ रहे हैं राइट द ओनली टूल्स यू हैव टू टूलिस्ट सो मच हैपनिंग अराउंड यू इज योर रीजनिंग योर रीजनिंग कम्स फ्रॉम एबिलिटी टू रीड द दॉट ऑफ अदर्स एंड राइट अबाउट इट विद पियरसिंग क्लैरिटी तो ये स्किल्स डेवलप करने के लिए कहीं दूर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है सीधा दोस्त कास्ट का अपना खास मैं विनम्र का मेरा अपना कोर्स है स्किल नाइन वन डॉट कॉम पे दी आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली इन द इंटरेस्ट ऑफ आर टैग लाइन फर्स्ट वीक तक वैलिड है ऑफ ऑफ मून टाइप करो आर्ट रीडिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली के ऊपर डिस्काउंट ले जाओ मैं ये कहना चाहता हूं जेनुअनली मतलब मेरे को पॉडकास्ट करने में बहुत मजे आते हैं लेकिन अगर मैं फुल टाइम को चीज करता तो वो होता पढ़ाना आई रियली वॉन्ट टू मेक श्योर कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग इस टाइम पे देख रहे हैं जो इनसिक्योर फील करते हैं अपनी इंग्लिश के बारे में जिनको बड़ा बुरा सा लगता है जब उनको ढंग से लिखना नहीं आ पाता किसी चीज़ के बारे में जो और लोगों को देख के सोचते हैं, हैं काश यार मैं भी ऐसा लिख पाता या आई विश आई कोड फिनिश अ बुक ये सब ख्याल अगर आपको आते हैं ये कोर्स आपके लिए है मैंने इसको बनाया है ऐसे कि ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है मैंने इसको ऐसा नहीं बनाया कि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स चीज़ को और कॉम्प्लेक्स करना है आई मेड इट ईजी मैंने सारी कोर्स इंग्लिश में पढ़ाई है ठीक है ढाई तीन घंटे के अंदर अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेस आप खत्म हो जाओगे

ये नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है अच्छा जिसमें एक बंदा होता है जो पहले किटन्स का मर्डर करना शुरू करता है और उसके वीडियो डालना शुरू करता है तो एक आ, वीडियो डालना यूट्यूब पे पता नहीं यूट्यूब पे डालता है कहीं ले मतलब तो वो पब्लिकली पोस्ट करता है प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करता है तो लोग एक कम्युनिटी बना लेते हैं कि हम इस बंदे को ढूंढना और रोकना है और उसमें कुछ चार पांच लोग बोलने लग जाते हैं कि ये बंदे में सीरियल किलर टेंडेंसीज हैं तो हमें सिर्फ इसलिए नहीं एक्ट करना है क्योंकि ये इनोसेंट जानवरों को मारना है इसलिए भी एक्ट करना है कि ये कभी ना कभी लोगों को भी मार देगा फिर इवेंचुअली वो अपना पहला मर्डर कर देता है और वो हर वीडियो में हर मर्डर करते टाइम जिस ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा है उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे इस्ट्राइस छोड़ता रहता है कि तुम ऐसे मेरे को ढूंढ सकते हो ये मेरा नाम है ये मेरा आ, ये मेरा ऑल्टर ईगो है तो इससे तुम ट्रेस कर सकते हो कि अगर तुम मेहनत करोगे तो उस उस बंदे को तुम पकड़ सकते हो तो वो एक मर्डर करता है और उस टाइम तक ये कम्युनिटी और पुलिस मिलकर उस बंदे को पकड़ लेते हैं

मैं एक रास्त छोड़ रहा हूँ अगर मुझे पकड़ना है तो भाई विलन को कि यार एक बार ही से मौका मिलने का। क्योंकि तो तुम्हारे अंदर भी नहीं दुनिया तक पहुंचनी चाहिए मैं आज तक भी समझ नहीं पाया क्योंकि आज जैसे दो आ गया आज भी अगर जेनेरिक पिक्चर बन रही है ना तो आदमी सिर्फ बुराई की जैसे बुराई की चादर क्यों पहनता है कि क्या करते जी बुराई फैलाता हूँ आपका विलन विलन का जैसे वो कई बार डिक्लेयर कर देते हैं ओपनली मैं दुनिया में बुराई फैलाने आया हूँ लाइक like, मैं बुराई का मसीहा हूँ मैं अच्छा ही फैलाऊंगा कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी तो लेके आओ यार कि मैं थोड़ा बुरा जैसे बोलते नहीं है, ब्रो थोड़ा गए एरियाज में जाओ यू नो थोड़ा थोड़ा एम्बिकुस मेरे को मॉरल एम्बिकुटी दो मेरे को ऐसे कि मैं तुम्हारे लिए रूट कर रहा हूँ पर तुम बुरे इंसान भी हो मैं क्या यू नो लाइक दैट भाई क्योंकि देखो तुम्हें अगर तुम कंटेंट को आ, आर्ट की तरह ना देखो और बिजनेस की तरह देखो तो तुम्हें बिल्कुल और नहीं लगेगा कि लोग ऐसी चीजें क्यों बना रहे हैं क्योंकि मतलब ये पैलेटेबल कंटेंट होना चाहिए कि भाई मैं एक बार में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थैनोस का एक्चुअल एजेंडा क्या है कि मैं समझू ही समझू मैं तो बताओ कि भाई अमरीश क्यों कर रहा है क्योंकि वो घटिया आदमी बस उसको पावर चाहिए उसको <laughs> उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके उसके अब किसी को पता है भाई मुकैम होगी क्या ब्रिंगिंग थी क्यों ऐसा था वो तो वो आ, अगर मैंने इसमें मेरे को इस्टेब्लिश करने में ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ा वेस्ट नहीं करना पड़ा अब फिर मैं हीरो को और लाइकेबल बनाने में टाइम वेस्ट कर सकता हूँ राइट है ना और और फिर फिर उसके बाद हीरो के साथ और ख़राब हो गया कि वो मिस्टर इंडिया की छोटी बच्ची भी मर गई भाई तो तुम मतलब अब फिर मैं बस सीधे मूवी में इन्वेस्टेड हूँ अगर तुम्हें एक कॉम तो ये बहुत टफ है इसलिए लोग नहीं कर पाते तो अगर मीम्स इसलिए पॉपुलर है ना कि भाई इसका टर्न अराउंड टाइम कितनी जल्दी है अभी शादी हुई विक्के कौशल की बहनों पाँच मिनट भी नहीं हुए तक तब मीवी माना शुरू हो गया फर्स्ट आइडिया आया बेसिक फोटोशॉप करने में कितनी देर लगती है लेकिन एक मूवी बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है और तुम तो एक स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोडक्शन हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जिसमें मैं पैसे डाल रहा हूँ उसमें कोई बंदा बोले कि नहीं सर छः महीने की राइटिंग नहीं इसको जस्टिस करने के लिए मेरे को डेढ़ साल लगेंगे थोड़ा सा भाई पास कर दो भाई ये स्टोरी को जस्टिस करने के लिए मेरे को डेढ़ साल लग जाएंगे तो तुम्हें लगेगा भाई मेरे को मैं पिकासो नहीं हूँ मेरे को आर्ट नहीं बनानी है मेरे को एक पिक्चर रिलीज़ करनी है दिवाली पर ठीक है तो तुम ज़्यादा माँ बच्चा था अपनी से मेरे को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही नहीं आ रही हम बोल देंगे कुछ उसको एक तकिया कलाम दे देंगे ऐसे हाँ। खुश हुआ बैड मैन और फिर उससे सबों को समझ में आ जाएगा अच्छा ये वाले और फिर हम स्टोरी आगे बढ़ाएंगे जिस दिन मैं आई डोंट नो ब्लैक डॉग ने अगर ये प्लेसमेंट कराओ नहीं कराओ बट करा जिस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ उस दिन मेरे अंदर काले कुत्ते दौड़ते हैं सच अ ग्रेट डायलॉग यू नो लाइक तुम्हारे अंदर हम बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ते हैं इसके काले कुत्ते दौड़ते हैं अमेश पुरी उज ग्रेट ही I don't know, like, was, असली में कैसा था Because मेरे को मौका नहीं मिला कभी। भाई असली जिंदगी में अगर तुम उसके कोई भी इंटरव्यू देखोगे ना तो उसमें अगर वो बस नॉर्मली बैठा होगा और मुस्कुराएगा तो उसमें लगे कि हाय राम मैंने कैसे जज कर लिया इतना भला सा हो जाता तो है अगर वो कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़िया होता है कि जैसे आलोकनाथ के अगेंस्ट मीटू आया था तो वो और ही ज्यादा शॉकिंग था कि आलोकनाथ के अगेंस्ट मीटू भाई इतने गिर गए वो और वहीं अमरीशपुरी थोड़ा भी कुछ कर देगी अगर एक कोई मरते आदमी को

ओम पुरी मेरे को ऐसा लगता था कि अंकल इतने गुस्सा और परेशान क्यों रहते हैं या तो ये नेकी और हमदर्दी की बात करते हैं गुस्सा परेशान रहते हैं देन आई देना को उनकी नाक के ब्लैक हेड नहीं निकालता कभी <laughs> वो कभी ना मेकअप वाला और वैसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े जो मेरे को दिख रहे हैं मेरा मन कर रहा है जाऊँ नाक के अंदर जाके ऐसे वो मसलूँ तो घी से निकल के यार मैं बोलूँ यार थैंक यू <laughs> उनको कोई स्किन डिजीज़ थी अच्छा

द शॉकिंग लाइक हमें बुरा इसलिए लगता है कि ओ एक यंग एंड एक्टर अर्ली चला गया दैट इज शॉकिंग हाँ यू नो लाइक बट अब कल को अगर राजेश खन्ना जी का मन करे जाने का तो दैट आई नो फी स्टिल अगेन बैड लिसनर बट आई है स्टोरी मैं तो नेटवर्क में काम करता था ना तो पैंडमिक में क्या हो रहा था क्योंकि कॉन्टेंट बनना बंद बन <laughs> हो गया था तो अपना ही पुराना कंटेंट रिसाइकिल कर रहे थे तो जो अगर भी रहा था यहाँ तो जैसे सी का एक कोई वायरस का एपिसोड आया था तो वो बड़ा बड़ा लगाया हुआ था कि भाई ये वायरस एपिसोड देखो ताकि लोग कोविड के चक्कर में इस पर क्लिक कर देंगे कि शायद उससे रिलेटेड हो कुछ हो लेकिन फिर वो हमारा वॉच टाइम बढ़ गया हमारे व्यूज़ बढ़ गए तो जिस दिन पहले इरफान खान की डेथ हुई थी ना तो उस टाइम पर ये हो रहा था कि इरफान खान तो मैं बस वो ग्रुप पे वेट कर रहा था कि कब कोई बोलेगा कि हमारे पास ये इरफान की मूवीज़ हैं कि हम ये शोकेस कर सकते हैं तो सबने लिखना शुरू करा कि ओ गॉन टू सोन विल मे हिम ये वो सब ग्रेट लॉस ये वो सब कुछ और फिर चौथा आया था कि गाइज़ वी हैव पीकू ऑन आवर प्लेटफॉर्म आई थिंक टुडे इज़ अ गुड डे टू पुश द फिल्म ठीक है तो ये पहुंचने में कुछ ऐसे दस मैसेजेस लगे थे जैसे ही नेक्स्ट डे ऋषि कपूर की डेथ हुई थी गाइस <laughs> ऋषि कपूर नो मोर वी हैव डीड ए बोथ इरफान एंड ऋषि ऑन द प्लेटफॉर्म वैसा हो जाता है हाँ <laughs> तो फिर ये हो रहा था और फिर तब लोगों ने मतलब हमारी एनालिटिक्स टीम ने ये भी डिसाइड करा था कि अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो हम उसकी कुछ मूवीज शोकेस कर सकते हैं ऐसे फिर उसमें व्यूज़ कम आ रहे थे तो फिर ये कंसेंसस पे रीच करा था कि बर्थडे होते हैं वो नंबर नहीं आते जो किसी के मरने पे आ रहे हैं बर्थडे क्या है लाइक ओनली थिंक अबाउट इट लाइक रियली व्हेन समवन फेमस डाइज एवरीवन नोज

and that's the image that that became famous where it was tried but वो मुझे ना थोड़ा अनफेयर लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये तो लाइफ ऑफ पाइक जो नॉवेल थी उसके राइटर ने लिखा है ना hmm. ये तो इरफान जी बढ़िया एक्टर थे लेकिन ये बोल के नहीं गए वो hmm. तो जब जैसे कोई रिसेंटली नॉर्म मैकडॉनल्ड की जब डेथ हुई थी तो कैंसर से ही डेथ हुई थी एंड ही हैड अ ग्रेट बिट ऑन कैंसर तो जब फिर वो उसको लेके पब्लिश कर रहे थे कि वो उसका बेटा था कि आ, आ

Uh, जब भागते हैं तो फिर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हाँ, हाँ, और वो लाइक हाँ, उसमें वो, like, so से ध्यान रखना चाहिए रखा जाएगा हाँ, कि दोस्तों ध्यान जब सुशांत सिंह की डेथ पे नहीं वो uh, कौन सा गाना है खैरियत पूछो हाँ, वो करने लगे थे तो मुझे लगा था अरे यार तो फिर खैरियत पूछो ये सब कुछ कुछ लिखो और फिर जो नीचे जो लिरिस था उसका भी नाम लिखना चाहिए कि मेक सेंस डो बट लाइक इट्स जस्ट इट्स जस्ट लाइक कई बार क्या होता है लोग ऐसी जिंदगी जी जाते हैं और कुछ अच्छी बात नहीं बोलते मतलब कुछ ऐसे फिर पी टीम बोलती है कि इसकी अब

कल एक स्पेशल आया परसों एक स्पेशल आया था ठीक है हाँ. तो उसमें वो थोड़ा सा बीमार सा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ वेट उसने लूज कर दिया है नेक बियर्ड है तो और बात भी ऐसे कर रहा है कि आई एम ऑन माय वे आउट मतलब जब वो एक डेथ का बेट करता है तो ऐसे करता है आई एम माई वे आउट तो अभी हम सब कॉमिक्स की फट गई कि भाई ये भी तो नहीं बीमार है वैसे ये भी चला जाएगा नॉम की भी डेथ हो गई तो अब जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं क्योंकि हम उस एज पर पहुँच रहे हैं कि वो बूढ़े हो रहे हैं तो अब अब उनकी डेथ से फ़र्क पड़ने लगा है हाँ श्योर क्योंकि उससे पहले तो लाइक कोई और मतलब

I know that he was very, very well respected in mm -hmm. in 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 the whole community. But then I but but he was someone who performed all the way till his late life, right? End yeah. भी भी and yeah. Takbir Bhi Karta Tha. Then there's people like Eddie Murphy. I saw comedians in cars getting with coffee with Eddie Murphy. Then yeah, we get there, our हमारा जलवा हुआ करता था बस सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ जाऊँ ना जाऊँ जाऊँ ना जाऊँ वो आ ही नहीं पाया स्टेज पे यार अब वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमिक इतनी अपनी पीक पे पहुंच गया और वो कहते ना कि तुमने अपनी पीक पे छोड़ा तो शायद उनको वापस आने में ऐसा लगता है कि फिर ये मेरा जो स्टैंड अप की जर्नी है जैसे उसका भी स्टैंड अप वाला नैरेटिव कंप्लीट है अगर कोई देखे कि उसने शुरू करा बहुत जल्दी फेम मिला दो बढ़िया स्पेशल्स रिकॉर्ड करे और फिर उसके बाद रिटायर कर गया और फिर फिल्म में शिफ्ट हो गया राइट right. तो लेकिन अभी वापस आने में फिर वो करेगा तो वो भी ओपन माइक सी भाई नए थॉट्स ही लेके जाएगा थोड़ा बॉँव भी करेगा तो मुझे लगता है कि शायद ये इस इन, इस चीज़ को लेकर इनसेर होते होंगे कि लोग एडी मर्फी को बॉम्ब करते हुए देखना तो बहुत ही ईगो पे लग जाएगा बदलो लाइक दैट्स द कॉस्ट राइट कि वो वो फ्रीडम लूज कर जाता है आदमी फेमस होकर डू नो ऑफ एनी लाइक वेरी फेमस कॉमिक्स के नॉट आई परफॉर्म क्योंकि मेड ना देर आर अ लॉट ऑफ कॉमिक्स मतलब जिनका they're popular पॉपुलर दे a फॉलोइंग तो फिर वो नए जोक्स उतना फ्रीली नहीं ट्राई करते जैसे बहुत सारे कॉमिक्स अपना जो एक घंटा परफॉर्म कर रहे हैं उसी के बीच में अपने नए पाँच मिनट ट्राई कर देते हैं वो लॉजिस्टिक्स के चक्कर में भी होता है कि अब उनके पास ओपन माइक जाने का टाइम नहीं है जो रिटर्न मिल रहा ओपन माइक से वो उनका जो बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है उसमें फिट इन नहीं हो सकता है वो लेकिन मज़ा तो तभी है भाई जब तुम फुल बॉम्ब करके आओ हाँ बिल्कुल भाई types. बहुत ही होता है और मतलब ऐसे साढ़े छः साल हो गए लेकिन तब भी अगर बॉम बॉम करके आओ तो ऐसे लगता है कि ले ही लेता तो हूँ ना जॉब वापस सोनी में क्या hmm. हो गया कि अभी क्यों ही छोड़ दिया है मैंने तो वो ह्यूमिलिएशन ही तो मजा है मतलब स्टैंड अप में मुझे लगता है जो मेन स्किल तुम डेवलप कर रहे हो वो रेजिलियंस ही कर रहे हो hmm. कि मैं इतनी बेजती सहली है तुम क्या ही बोल दोगे या आई सॉ वन ऑफ योर यू पुरानी वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है एंड एंड वन ऑफ फ्रेंड्स छवि लाइक कई बार करते आप लोगों लोग कभी ऐसा हुआ है कोई बोले नहीं देन हाँ डू तो फिर वो फिर एड्रेसल होना चाहिए मैंने को मेरे को ना जैसे एक बैंगलोर का कॉमिक है कैल्ट हाँ। वो उसको मैंने देख के पहली बार देखा था कि तुम्हारा अगर जोक चले तो उसके पास उसके बाद तो तुम्हारे पास टैग्स हैं ही हैं लेकिन अगर तुम्हारा जोक बॉम्ब हो तो उसके पास भी तुम्हारे पास उतने ही डेंस टैग्स हैं कि अगर एग्स जब मैंने एक पंचलाइन मारी तो मैं इस पर हंसे फिर उसके बाद दो और छोटी सी पंचलाइन मारी जिससे वो लाफ्टर बड़ा होता जा रहा है लेकिन अगर ये नहीं चला है तो वो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं चल रहा है मेरे को जॉब छोड़ जॉब वापस ले लेनी चाहिए ऐसे कर करके मेरे पास पाँच छह जोक्स इस पर हैं कि मैं कितनी बुरी तरह से बॉम कराऊँ अभी ओके सेल्फ अवेयर कि एग्जिबिट ए तो मैं ये करूँगा तो हाँ, जो कि इवेंचुअली फिर कई बार वो तुम्हारी स्टॉक लाइन भी बन जाती हैं अगर बॉम नहीं कर रहा है मतलब बॉम कर रहा है तो फिर तुम ये सब बोल रहे हो मेरे तो मम्मी ने बोला था फनी है या कुछ ऐसा जो बोलते रहते हैं मेरा भी होती थी एक स्टॉक लाइन ऐसे कि एक मैंने कभी किसी रूम में परफॉर्म करा था जिसमें थोड़ा एको आ रहा था तो मैंने बोला था कि इफ़ यू आर बॉम्बिंग विद एन एको इट फील्स इवन वर्स क्योंकि योर वॉइस कम्स बैक टू यू एंड यूर डिसअपॉइंटेड एन ऑडियंस आल्सो ठीक है <laughs> तो फिर ये लाइन पे अच्छा लाफ आता था और मैं ना थोड़ा खुश था कि बढ़िया बढ़िया लाइन लिखी है तो अब जिस रूम में एक्व नहीं भी होता था हाँ। और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और नहीं चला तो फिर मैं ये बोलता था फिर लोग कहते थे यार तो साउंड प्रूफिंग अच्छी हो रही है वहाँ पे तो कोई एक्व तो नहीं, नहीं।, तो को नहीं है फिर वो वो भी एक चैलेंज होता है कि तुम फिर वो स्टॉक लाइन ना यूज करो कि जैसे ही कोई बिट नहीं चल रहा है तो तुम अचानक से सेल्फ सेटरेड मोड में नहीं लॉन्च कर जाओ थोड़ा स्टिक करो हो सकता है वो तीसरी पंच लाइन तक आके ऑन बोर्ड आ जाएंगे हंसने लग जाएंगे बट इफ लाइक आई एम श्योर दिस इज़ हैपंड लाइक पूरी रात बॉम्ब करते हो हाँ पूरी घर जाके दारू पीते हो लाइक like, हो वो वीडियोज़ देखते हो लाइक like, ऐसे सर पकड़ के बैठते हुए क्या करना है मतलब लाइक वॉट इज दैट नाइट आफ्टर फील लाइक वॉट इज़ द क्या क्या आवर्स आफ्टर दैट फील लाइक देखो तो अगर आ, कोई लाइनअप है ठीक है जिसमें दो तीन कॉमिक्स थे उसमें बॉम्ब करा मैंने तो जब मैं स्टेज से उतरा हूँ तो फिर मेरा एजेंडा रहता है कि अब जो ग्रीन रूम है थोड़ा ग्रीन रूम में हंसा लेता हूँ लोगों को कि कितना गंदा बॉम्ब करा है कैसे आज तो गांड मर गई ये वो करके और उसमें थोड़ा अपने आप को अल्फा एल्फाटेब्लिस कर जाओ कि अगर तुम बोलो कि किस तरह से वहां से वैलिडेशन सीख कर जाओ या फिर वहां पे ये, तो ये नीड तो मिल जाएगी कि मैं फनी तो हूँ <laughs> एक बार देख लेता हूँ तो हूँ यार वो पता नहीं इन लोग को नहीं पसंद आया ये वो नहीं कि डोंट ब्लेम ऑडियंस तो फिर तुम प्रोड्यूसर को ब्लेम कर दो शायद रूम की लाइटिंग सही नहीं थी इसलिए मजा नहीं आ रहा था तो पहले मैं वो करता था कि किस तरह से वो रूम से ही मैं वैलिडेशन ले जाऊं लेकिन अब मैं वो भी नहीं करता हूं अब मैं चुपचाप जब बॉम्ब करता हूं लंबे सेट में या कुछ उसमें तो मैं वही ग्रीफ के साथ जाता हूँ और वो पूरी रात एकदम गंदा ही फील करता हूँ ताकि फिर कल मेरे को फिर वो फिर कल फिर मैं बड़े हिम्मत करके जो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है या जो मैंने फोन से रिकॉर्ड करा है फिर वो बैठ के देखूंगा कि मैं क्या कर रहा था जो इतना ऑफ था hmm. कि मैं उनको कभी भी नहीं विन कर पाया आधे घंटे के सेट में मैं कैसे नहीं कर पाया उनको कभी भी पूरा विन तो फिर फिर मैं वो बैठ के फिर पूरा वीडियो देखता हूँ बट ये लोग करते हैं ना लाइक इवन इफ यू विन और इफ यू लूज विन लाइक बॉम्ब करते हो किल करते हो उसके बाद मैं एक बार तन्मय भट्ट से मिला था जब हम लोग मैं सोल फ्राई पाली में एक जगह खाने पीने में बैठा था मेरे कुछ दोस्त लेके आए थे तो जस्ट डूइंग लाइक लाइक ये 2019 से, की, तो बात था, हाँ। की बात है हाँ। like बंद हो गया अच्छा तो ही वो वहाँ पे कर रहे हो क्योंकि वो एनलाइज नहीं कर रहे हो तुम्हारे तो परफॉर्म करने का फायदा क्या हुआ अगर अच्छा गया तो फिर बस आ, तो पहले वॉइस रिकॉर्डिंग ही करना मतलब मैं भी सारे मेरे पुराने दो हजार उन्नीस तक के सारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं बीच बीच में कुछ कुछ फोन से रिकॉर्ड करा हुआ था फिर मेरे को बाद में जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कैमरा के लिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था तब मुझे समझ में आया था कि भाई मेरे को रेगुलरली फ़ोन से कैमरा मतलब रिकॉर्ड करना ही शुरू करना पड़ेगा कि वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा हर परफॉर्मेंस का तो 2019 से लेके 2020 फरवरी तक की सारी परफॉर्मेंसेज की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है मेरे पास तो यू कैन सी योर फेशियल वेल और मैं क्या कर रहा के क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही एनर्जी के साथ कुछ बहुत ही इलेबोरेट एक्सप्रेशन करा है लेकिन एक्चुअली हाँ। तुम देखो तो तुम वो ऐसे करा होता है जरा सा कि बहुत ही फ्लूटिंग मूमेंट में कराए तो तुम वो ढंग से बात ही नहीं पोर्ट्रे कर पाए जो तुम प्रेम से नहीं समझा पाए बड़ा फिर पंच लाइन को तो स्टेज पर जाने से पहले डू डू सम वोकल ड्रिल्स वेल थोड़ा आवाज़ साफ कर लेता हो या इस तरह से जाकर प्रोजेक्ट कर रहा है लाइक नॉर्मली बस एक थोड़े खाली दिमाग के साथ कुछ बैगेज नहीं लेके जाना अगर कुछ लड़ाई चल रही है या कुछ और ऑफिस का स्ट्रेस चल रहा है और अब रिकॉर्ड करने के टाइम पे क्योंकि मेरे को रेगुलरली उसमें एंगजाइटी होती थी तो फिर उसमें तीन चार चीजें करना शुरू कि जैसे जब मैं गाड़ी में जा रहा था तो गाने वाने जोर से गाता हुआ जाता था कि वो बस मुंह और वो खुल जाए और, ये निशान सूर्य ना तो उसने हाँ। मेरे को बताया था कि थोड़ी एग्जाइटी कम करने के लिए अगर उस दिन वर्कआउट करके आओ तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती है कि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में ऐसा लगता है कि किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहा है क्या हो रहा है

हाँ चाहे बदहजमी हो रही हो कुछ भी हो रहा हो स्ट्रेट अप लग अगर मेरा किसी चीज़ को लेके जनरली बहुत मूड ऑफ है तो फिर मेरे को उस दिन वो रिटर्न सेट नहीं करना है उस ख़राब मूड के बारे में ही बात करने की कोशिश करनी है क्योंकि माई एम एज अ परफॉर्मर इसकी मैं जैसे ऑफ स्टेज फनी हुआ करता था प्री स्टैंड अप अपनी चीज़ मेरे को किसी तरह से मिमिक करनी है स्टेज पर ताकि कॉन्वर्सेशनल लगे यू ब्रिंग द रैट टू द स्टेज हाँ वो भी लेकिन रैंट एक नेचुरल साउंड करनी चाहिए मतलब तुम्हारे हाँ। सामने अगर कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा होगा तो अचानक से ऐसे नहीं ट्रेन बोलेगा तो ऐसे करके भेजूँ ट्रेन का एक्शन नहीं करने लग जाएगा है ना <laughs> वो <laughs> से में होता है हाँ, हाँ। फिर, फिर, फिर करके एकदम से अचानक से मैं एनर्जी मोड में नहीं लॉन्च कर जाऊँगा हाँ। तो अगर कुछ सुनाते सुनाते अगर वो ऊपर जाता जा रहे हो ऑडियंस की एनर्जी से फीड कर रहे हो और फिर कोई बहुत ही कोई क्रेजी चीज बतानी तो उसमें वो एक्शन करना मुझे अब जस्टिफाइड लगता है क्योंकि मेरा एम है टू साउंड लाइक अ रेगुलर ऑफ स्टेज फनी पर्सन ऑन स्टेज आई सी बट इज इन दैर रिस्क यू हैव ट्राइड आउट सेट जो चलेगा ही चलेगा बट यू आर पिस्ड ऑफ़ सो यू हैव एन मतलब यू इट्स नॉट लाइक कि तुम तुम्हारा एक पिस्ड ऑफ सेट है गुस्सा होता हूँ nah. कुछ भी चल रहा है वो वो सब इम्प्रोव टू होता है फिर हाँ नहीं तो जैसे ये यार बेसिक जोक्स तो तुमने कुछ सोचे ही होते हैं ठीक है हाँ, हाँ, भाई ये तुम्हारे साथ कुछ भी एप्सर्ड हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में तो सारी चीजें ही आ रही ना एक साथ की था हाँ. वो जो आ, मतलब इंसिडेंट हो रहा है उसे रजिस्टर कर रहे हो और तुम इन्हेरेंटली उसके बारे में कुछ कुछ जोक्स बनाना शुरू कर रहे हो कि बकवास हो रहा है टाइप का तो वो वाले तुम बेसिक जोक्स जाके कर लेते हो लेकिन कभी कभार उस नेचुरल इमोशन में वो जोक्स चल जाते हैं फिर क्योंकि वो इमोशन फेड आउट हो जाता है मतलब ओवर द टाइम मैं फिर नहीं होता स्ट्रांगली फील करता हूँ बस उसी दिन उस गुस्से में था तो फिर वो वाले जोक्स मैं कभी फिर ढंग से चला नहीं पाता हूँ फिर फिर चैलेंज ये होता है कि अब मैं वो वापस से इमोशन में कैसे टैप इन करके परफॉर्म uh, करना शुरू करूँ सो द बेस्ट वे टू टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली इज बी न्यूट्रल अबाउट इट वो तुम इमोशनल चीज पर रिलाई नहीं कर सकते ऐसे कि नहीं तो द बेस्ट परफॉर्मेंस कम्स आउट इफ आई एम एबल टू कन्वे द इमोशन मोर देन द जोक्स रियली हाँ मतलब कि इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी जोक क्या पास लाइन क्या है प्रमाइस या कुछ भी क्या है अगर तुम्हें फील हो रहा है कि यार मैं एक जगह पे गया और किसी ने मेरे को चीट करा या किसी ने मेरे को मारा तो वो तो वो जो मेरा चूतिया कट गया वो वाला इमोशन अगर मैं बाहर नहीं निकाल पाऊंगा तब तक तुम वो चीज़ से रिलेट ही नहीं करोगे भले ही मैं कितनी वेल क्राफ्टेड पंच पंचलाइंस मार दो तुमको तुम मतलब क्या अपने राइटर्स रूम के लिए लोग थोड़ी स्काउट करने आए हो तुम तो एक्सपीरियंसिस ही सुनने आए हो ना तो जब तक वो कोर इमोशन नहीं मैं पोर्ट्रे कर पाया हूँ तब तब what's been difficult what's the difficult emotion most most difficult emotion to communicate shame guilt like कैसे? shame guilt तो क्योंकि inherent ही है तो वो तो हाँ. easily निकल ही जाते हैं जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली एक इनसिक्योर करके सेट निकाला है तो हाँ. तो दैट वाज फ्रॉम अ टाइम व्हेन आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड दैट वाज लाइक द पीक ऑफ द रिलेशनशिप नाउ आई डोंट हैव दोज फीलिंग्स एनीमोर वो रिलेशनशिप खत्म हो गया मेरे को कोई मैं गुस्सा ही हो उस इंसान के लिए हुँ. तो वो वो एक उसमें ऐसा लगे कि अच्छा ये बंदे का इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ये थोड़ी रोमांटिक सी बात कर रहा है अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है कुछ उससे लेना देना नहीं है ये कैसे फील करता है तो वो वाली चीज़ है जो पहले हो चुका है और अब मेरी उसके लिए फीलिंग्स कम हो चुकी हैं वो इंसिडेंट के लिए वो फीलिंग वापस से ला करना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरा एक अभी एक ब्रेकअप पे सेट है जो जिसमें ना बहन वो जोक्स दो ब्रेकअप के जोक्स हैं कि पहला वाला ब्रेकअप जो हुआ था तो वो रिलेशनशिप थोड़ा मतलब इतना इंटेंस नहीं था तो फिर मेरे पास बस बेसिक बेसिक प्रेमाइस और एक एक जोक आ गया था उस पर फिर क्योंकि सेकेंड रिलेशनशिप थोड़ा और ज़्यादा कंज्यूमिंग था तो जिसमें उसमें ब्रेकअप में और ज़्यादा ख़राब लगा था तो फिर वो वापस से जोक्स में और फिर जोक्स ऐड होते गए हैं ओके बट बट यू कॉन्ट ऑबियसली डू दैम अगैन एंड अगैन बिकॉज उसके अंदर पर्सनल लाइफ भी थोड़ी इन्वॉल्व हो जाती है तो हो जाए कोई बात नहीं मतलब ये ये चीज़ है ना माई मोनली आज बिकॉज और कमीडियंस डू इज़ यू कान से मतलब मेरे को अनस ने बताया था कहता है कि पहले से मेरे को पता था कि कमेडियंस एम बी ए कंसल्टेंसी की जोक्स मारे हैं हालांकि मेरा एक् 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 एक्सपीरियंस भी नहीं बढ़ा दिस वर्स आई विल मेक दोस जोक्स तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस ये ब्रेकअप का तो एक्सपीरियंस मेरा ही एक्सपीरियंस है तो ये तो मैं जोक ही सकता हूँ लेकिन हो सकता है जैसे मैं जब मैंने स्टैंडअप स्टार्ट करा था तब मैं बहुत वो वे जोक्स मारा करता था कि भाई सिंग है लड़किया नहीं मिलती टाइप का ये ठीक है फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज जैकेट जब डेट कर रहा था तो वो वाले जोक्स मैं चला ही नहीं पाता था

ऐसे बैठक लग जाती थी अगर कोई बोलता था मैंने सेक्स करा हुआ आने से पहले तो हम सोचते थे भाई तूने में तो पहले से पहले सेक्स करके आया झूठ बोलते थे बहुत हा, 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 तो झूठ बोलते तो पहला मेन एजेंडा तो ये रहता था कि कुछ इसके आर्मर में चिंक निकाल दू मैं कि कुछ तो गड़बड़ है कि ये स्टोरी मैच अप नहीं कर रही तो बिल्कुल लिटरली ऐसे करते थे लोग की तू तीन गर्ल फ्रेंड तो तीनों को कॉल कर तीनों को आई लव यू बोल स्पीकर पे फोन रहेगा और हम आई लव यू सुनेंगे वहां से जब तब हम मानेंगे तीनों है और उसने तीनों को कर दिया फिर हम कह रहे यार ये शायद पता नहीं बिहार में लड़कियां oh <laughs> तो फिर पता नहीं क्या हुआ है ah. हाँ लेकिन ये यही प्रॉपर बैठक लगती थी और उसमें बहुत खराब लगता था यार ah. कि लोगों ने मेकआउट कर लिया लोगों ने ऐसे कर लिया हमने क्यों नहीं करा है ये लेकिन फिर जब तुम वो कर लो तो तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा पैटी था यार उस टाइम मैं जो ऐसी साड़ी सी चीज़ को लेके मतलब ठीक है अच्छा है इट्स नॉट फर्स्ट टाइम एनी वे इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एनी वन तुम यू नोट नो वैपनिंग यू ओवर टाइम लगता है कि ओ ये बहुत अच्छी चीज है जैसे तुम बार बार करते हो यार ये ये चीज ये चीज़ वो सोलह साल का लड़का सोचता था जो अब हो रही है बट बट यू कैन मेक दैट सेम थिंग लाइक अब अब जो बोलते हैं भाई यार बड़ा अकेला हूँ और मैं रिलेट नहीं कर सकता मेरे अंदर का एक कॉर्नर बोलता है कि मेरे लिए मेरे को तुम्हारे लिए सहानुभूति लड़का लड़की है लाइक Hmm. पर एक बचपन मतलब एक पास्ट वाला बंदा सहानुभूति कर रहा है अब मेरे को कुतुआ कोई समझ अरे hmm. करना पड़ता है ये तो होता ही है और ऐसे ही लोग देखते हैं आई थिंक लाइक लाइक सिंस सिंस सेक्सुअल रिप्रेशन इज सच ह्यूज कॉन्सेप्ट इन इंडिया यू नो लाइक क्योंकि जो लड़की लाने वाली बात कर रहे थे घर पे राइट hmm. right, कि पेरेंट सोसाइटी वगैरह बड़े आपकी सेक्सुअलिटी को बांध के रखते हैं आप पे इतनी वो इंडिपेंडेंस नहीं मैंने एक फिल्म मेक है कनू भैन उनके साथ एक बात करी थी उनकी पिक्चर आ रही आगरा उस इसके बारे में कि अब एक परिवार है चार कमरे ऐसे बिच भिज के रह रहे हैं तो अगर पेरेंट्स को कुछ सीन करना है बाहर बच्चे सुन लेंगे बच्चों को तो कुछ कर नहीं सकते राइट तो वो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत या लड़ाई या वगैरह होती रहती हैं और उसमें पता है फिर बाद में इसमें आ, अब मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पॉडकास्ट है तो क्या मैं डाइक हॉट में बोलूँ या आयरन ही बोलूँ जो चले गया हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन पेरेंट्स इतने टाइम तक रोक के रखते हैं तुम कुछ नहीं मैं मैं एक ट्यूशन जाता था तो वहाँ पे एक लड़की से मैं बस बात करना स्टार्ट कर रहा था थोड़ा टैक्स करते थे तो ऐसा होता था उसका एक बैच पहले होता था सुबह की ट्यूशन होती थी उसकी साढ़े खत्म होती थी फिर साढ़े हमारी स्टार्ट होती थी और साढ़े तो वो जो जब वो ट्यूशन से निकलती थी और मैं निकलता था तो वो जो ऐसे ग्लैंस एक्सचेंज करते थे उसके बारे में टेस्ट करते थे ठीक है तो मेरे पापा ने एक बार मेरा फ़ोन ले लिया टेंथ में कि देखें क्या पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है ढंग <laughs> तो उसमें देखा कि अच्छा आज जब ये दी है, पे कौन बैठाता है <laughs> तो इतने साल तक तुम तो ऐसे दबाते रहो कि नहीं 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 कुछ नहीं करो और फिर बोलते हैं की अरेंज मैरिज से बेटर है तुम लव मैरिज के लिए कोई ढूंढ के आओ अरे आपने मेरी स्किल ही नहीं डेवलप होने दी भाई

किससे तुम्हारी बनती है वो फ्रीक्वेंसी किससे मैच होती है तब पहुँचोगे जब तुम अपने आपको एक्सप्रेस करना सीखो कि मैं लड़कियों के साथ ऑकवर्ड नहीं हूँ मैं टेंथ तक ओनली बॉय स्कूल था इतना ही भैंजो ऐसे होता था कि भाई क्या ही बोले भैंजो मतलब लोग लिटरली फ्रेंडशिप के प्रपोजल करते थे

Um, but like once you you do all of that, you realize कि यार, आ, कि, कितने सारे युवा और युवतियाँ आज भी इस चीज के अंदर hmm. किसी दूसरे शहर मूव होना पड़ता है hmm. एक ओवर इंथुजिया लड़का या लड़की से मिलना पड़ता है जो उनका रूममेट होता तो तो है यू शुड यार आज तेरे को बाहर लेके चलते हैं <laughs> <Yes. laughs> <That's laughs> तो जब तुम एकदम कोई रिलेशनशिप में कुछ बहुत मेजर लड़ाई चल रही हो तब तुम तो ऐसे सोचते हो कि जब मैं सोलह साल का था मैं ये चीज के लिए मर रहा था कि भाई जो ये ये सड़ी हुई लड़ाई लड़ सकू मैं आज तो इसलिए जब कोई बंदा एक्सप्रेस कर रहा होता है कि यार कोई लड़कियां नहीं मिलती ये नहीं मिलता मैं अकेला हूँ तो मुझे लगता है कि भाई तुम तो अभी समझ नहीं रहा है कि ये जो फ्रीडम तो एंजॉय कर रहा है कितना बढ़िया फ्रीडम है लेकिन वो इमोशन ढंग से पोर्ट्रे करना कि वो बंदा जोन आउट भी ना हो कि ये ये कैसी चीज़ पे क्रिप कर रहे हैं कि मतलब मैं लिटरली इधर से ये सब बोल रहा हूँ कि भाई मेरी जो रोलेक्स है भैन है वो बड़ा यार गोल्ड बड़ा हैवी पड़ता है यार हाथ में पहनने के लिए <laughs> है तो ये वाला इमोशन भी मैं कैसे ढंग से पोर्ट्रे करूँ कि सामने वाला इस पर रिलेट कर जाए तो वो वाली आ, चीज़ टफ है जो कि अगैन गोज बैक टू कॉन्टेक्स बिल्डिंग की इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैंने पहले इस बॉड कास्ट कर स्टेटअप शुरू करता था चलो करते हैं ओब्रो एकदम रॉ रखते हैं यू नो बिकॉज यू नो लाइक जिंदगी में लोग अप्रिशिएट करते हैं रॉक मैं hmm. इंट्रो करता हूँ भाई आज मेरे चिराग बैठे हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं ओ भाई ये आदमी है ये ठीक है ये जो एक एक दिस सेंस ऑफ

एक आराम से स्टूडियो में करेंगे बैठ के लंबा वाला सेशन तो ये कि इन सोफों में बैठ के मेरे को ऐसा लगता है सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस और मेरी फील्ड ऑफ विजन में लिटरली चेयर है बट ये मेकश सेटअप है मैं मुंबई में आया था हमने कहा करते हैं आई लव योर वीडियोज आई होप यू के मेकिंग मोर ऑफ देम एंड नॉट गो बैक टू योटी टी जॉब्स क्योंकि भाई देखो अगर तुम ये ना करते देते हम बात ना कर पाते हम तो ये सोचते हैं हम तो अपने अपने फ़ायदे की बात सोचते नहीं और वो मतलब सारी जॉब है तो खराब है वो कितने टाइम तक झूठ बोलते रहोगे अपने आप को नहीं नहीं ये भी क्रिएटिव ही है सारे

यार मैंने एक जो पहला वीडियो डाला था तो वो हाँ। मेरे को बहुत ही अच्छा सा जोक लगता था उसमें कि मैं इस पहले अच्छा धारी नाग होता था और पीछे घंटी डाल के फिर मैं हिलाता था कि मैं रैटल स्नेक था तो देखो अभी भी आवाज आती है अच्छा you just went it. हाँ तो फिर वो तब से फिर वो रहेगा हाँ। आई सर चिराग पंजानी देखने के लिए लिंगडन पर और बहुत सारे लोग आगे खूबसूरत से और बदसूरत से लेकिन तुम नहीं आया तो मैंने लिंगडन पे

एक आदमी कहता है ये सिक्योरिटी गार्ड हर रोज नीचे बैठता है मैंने आज इसको पचास रुपए दिए उसकी पचास रुपये देने की उसने फोटो खिंचवा ली सारे एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं चूती हो गया और और हैं बस एक बचा कि वो गार्ड भी आके बोले या आई इंटरेक्ट देम इज अक्सलेंट कम्युनिकेटर और उन्होंने पचास का नोट भी नया वाला निकाल के दिया तो इज अपट ये क्रेजी <laughs> बहुत सही बहुत सही चलो सॉरी